हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हैं और हमारी सी प्लस प्लस की इस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं. सो आई एम संकेत सिंह एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर लेक्चर. आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ वापस आ चुके हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और नई प्रॉब्लम्स के बारे में ऑन रिकर्जन. सो रिकर्जन के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, राइट. आई होप सब लोगों ने उन्हें जरूर देखा होगा और एंजॉय भी करा होगा, राइट. रिकर्जन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. रिकर्जन इज नॉट समथिंग जो मतलब एक या दो क्वेश्चंस करने से या 3 questions करने से आसानी से समझ में आ जाए. एंड वी नो द पेन पॉइंट, हमें पता है ये पेन पॉइंट रहता है. रिकर्जन ओवरऑल बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट वो सिंपल तभी बनता है जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो इसलिए हम लोग काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड कर रहे हैं हमारी इस रिकर्जन की सीरीज में, राइट. और आज हम लोग इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो आई होप कि रिकर्जन के बेसिक्स की सारी वीडियो सब लोगों ने देख ली हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ रिकर्जन और जो शुरू की प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली लेक्चर्स हैं रिकर्जन के ऊपर उन्हें अब तक नहीं देखा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाकर एक बारी उन्हें देख लें अगर आप रिकर्जन में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है. क्योंकि अब आज से थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ी अच्छी थोड़ी आई वुड से ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, राइट. तो अगर आप लोगों ने वो प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू फर्स्ट गो एंड वॉच ऑल दोज बेसिक्स. पहले वो बेसिक वाले लेक्चर्स, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले लेक्चर्स देख लो, थोड़ा अपना फाउंडेशन कंक्रीट कर लो, थोड़े बेसिक्स को ना स्ट्रॉन्ग कर लो, तभी आगे जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे ना उसमें तुम लोग काफी ज्यादा मचा पाओगे. आज के लेक्चर में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आई वुड से नए कंसेप्ट और न्यू थिंकिंग के साथ हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम्स की इंट्यूशन देखेंगे कि अगर पहली बार सोच रहे होते तो कैसे सोचते, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे. बट उसके लिए फाउंडेशन क्लियर होना काफी जरूरी है. और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग पीडब्ल्यू स्किल्स के ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर लो. क्योंकि जो भी लेक्चर्स हम लोगों ने अभी तक लिए हैं अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की सीरीज में, मान लो आपको जो भी रिकर्जन के अब तक हमने लेक्चर्स लिए हैं उन पे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, थोड़ा सा अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आनी है, राइट. थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मन है कि यार अच्छा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं लेक्चर्स में उसको एक बारी अप्लाई करके देख लें, राइट. तो उसके रिगार्डिंग सारे नोट्स और असाइनमेंट्स आपको पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक बार जरूर पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट करो. साथ ही साथ अगर कॉलेज वाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. और आज के इस लेक्चर में आप जितना भी पढ़ोगे आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट तक लेक्चर देखो. कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, सो बेझिझक आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हो. वी वुड बी हैप्पी टू रिजोल्व देम, राइट. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट सी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज, अभी तक पुराने जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन रिकर्जन के ऊपर लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को और कुछ अच्छे फाउंडेशनल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी कि अगर आपको एक नंबर गिवन है एन और आपको उसके इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड करना है कि 1 से लेकर एन तक उसके इंक्रीजिंग सीक्वेंस को प्रिंट करना है बिना किसी लूप के, मतलब रिकर्जन का यूज करके आप कैसे कर सकते हैं. ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है, काफी इंट्यूटिवली हमने देखा था, ड्राई रन करा था इसका, तो अच्छे से हमने ये प्रॉब्लम समझी थी. साथ ही साथ हम लोगों ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी कि अगर आपको एक नंबर गिवन है, आपको एक वैल्यू गिवन है के, तो आपको उसके गिवन नंबर के के मल्टीपल्स प्रिंट करके लाने हैं रिकर्सिवली. ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. साथ ही साथ गिवन नंबर एन, आपको उस नंबर के नेचुरल नंबर्स का सम लेकर आना है अल्टरनेट साइंस के साथ. ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. तो इसी के रिगार्डिंग कुछ और बेसिक प्रॉब्लम्स थी जिसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं. जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर की प्रॉब्लम थी, हमने देखी थी वो फ्रॉग जंप वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने देख ली. तो कुछ बेसिक फाउंडेशनल अच्छी कंक्रीट प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट. आज के लेक्चर में अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही बात होगी और थोड़ा सा हम लोग अपना लेवल अप करने की भी कोशिश करेंगे, राइट. सो आज के लेक्चर में बात होने वाली है कि अगर आपको मान लो एक एरे गिवन है एन और एक वैल्यू गिवन है एक्स, तो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू एक्स हमारी एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, राइट. साथ ही साथ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि अगर आपको एक एरे गिवन है इंटीजर्स की, तो उसके सबसेट्स का सम लेकर आना है. और अभी तक तो एक सिंगल 1D एरे या फिर कोई नंबर गिवन होता था तब हम लोग कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करते थे. अब थोड़ा और लेवल अप करने वाले हैं हम लोग, राइट. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करने वाले हैं. हम लोग ग्रिड के ऊपर रिकर्जन लगाने की कोशिश करेंगे, तभी तो मजा आएगा. ऐसे क्वेश्चंस का कंसेप्ट ही जब हमारे पास आता है, जब हम थोड़ा लेवल अप करते हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं. तो हम लोग ग्रिड के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको मान लो एक ग्रिड गिवन है m क्रॉस n डिमेंशंस की,
तो आपको उसके टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाना है, आप कैसे जा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन हैज टू ऑफर। सो गाइज, हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम के ऊपर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आई वुड से रिलेटिवली सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बट हाँ इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा मजा आएगा रिकर्जन का एक प्रॉब्लम लगाने में और एक अच्छा कोड लिखने में, इसको ड्राई रन करने में फील आने वाली है, मचा देंगे, ठीक है। सो देखते हैं, सवाल कहता है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, आपको एक एरे गिवन है जिसके अंदर आपको एन इंटीजर्स मिलेंगे, राइट। तो आपके पास एक टेक्निकली एन लेंथ का एरे गिवन है ना, लेंथ एन हो गई ना, क्योंकि n इंटीजर्स है मतलब n एलिमेंट्स है, तो n लेंथ की एक एरे गिवन है इंटीजर्स की एंड अ टारगेट वैल्यू x, साथ ही साथ आपको एक टारगेट वैल्यू x गिवन है, कुछ एक एलिमेंट है x, वो आपको एज अ टारगेट वैल्यू गिवन है। सो एक एलिमेंट x एज अ टारगेट वैल्यू आपको गिवन है। प्रिंट वेदर x एग्जिस्ट इन द एरे और नॉट, आपको ये फिगर आउट करके लाना है कि क्या ये एलिमेंट x हमारी एरे में प्रेजेंट है या नहीं, ये एलिमेंट x हमारी गिवन एरे में प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें फिगर आउट करके लाना है। इतनी सी बात है हमारे सामने। कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, कंस्ट्रेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लेंथ ऑफ द एरे है n, वो एट मैक्स 10^6 हो सकता है, राइट। ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा अगर आपके पास एरे भी आया तो 10^6 लेंथ का एरे आएगा। जो एलिमेंट है x, जिसे हमें फाइंड करना है एक्चुअल एलिमेंट एरे में, जो टारगेट वैल्यू गिवन है, वो मैक्सिमम 10^8 हो सकती है और इनफैक्ट मिनिमम 10^8 हो सकती है। साथ ही साथ एरे के अपने एलिमेंट भी -10^8 से 10^8 लेंथ के हो सकते हैं, ओके। सो ये तो बात होगी कंस्ट्रेंट्स की। ओवरऑल 10^6 लेंथ की एरे है, 10^8 तक के एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे फाइंड करना है, जो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एन की वैल्यू मान लो 8 है, ठीक है, मतलब 8 लेंथ की एरे है, टारगेट वैल्यू है 14, टारगेट वैल्यू है 14 की, जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है वो वैल्यू है 14, और ये हमारी एरे गिवन है 4, 12, 54, 14, 3, 8, 6, 1, ये हमारी एरे गिवन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस एरे में ये एलिमेंट 14 प्रेजेंट है, तो हमने यहां पे यस प्रिंट कर दिया है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैंने यस प्रिंट कर दिया है। अगले इनपुट में एक ही लेंथ की एरे है, एलिमेंट जिसे ढूंढना है वो है 9, एरे में एक ही एलिमेंट है 2, तो 9 प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर आ गया नो। As simple as that. तो हमें क्या करना है, एक array given होगी n length की, एक value x given होगा, हमें find करना है कि वो x हमारी array में है या नहीं है। अगर है तो भाई yes print कर दो, अगर नहीं है तो no print कर दो। As simple as that. So guys, अगर हम लोग given input की बात करें, हमारे question में हमारे पास एक n length की array है, right? और n की value 10^6 तक जा सकते हैं, तो मतलब 10^6 के लिए हो, 5 के लिए हो, 4 के लिए हो, 7 के लिए भी हो, तो भी हम लोग problem solve कर पाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक आधे मैग्नीट्यूड से 10^5 की भी एरे होती तो भी सिमिलर सा ही सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, है ना। चलो देखते हैं, ये हमारे पास एरे गिवन है और साथ ही साथ हमें एक एलिमेंट गिवन है x, ये हमारा एलिमेंट टू बी फाउंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं हमारा टारगेट एलिमेंट, इसे हम कह सकते हैं हमारा टारगेट एलिमेंट, है ना। अब आपको इस टारगेट एलिमेंट को इस एरे में ढूंढना है। अब यार चलो रिकर्जन विकर्जन छोड़ते हैं, वैसे तो रिकर्सिवली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं हम, एक बारी के लिए रिकर्जन वगैरह छोड़ते हैं। और मान लो मैं आपको नॉर्मली ये प्रॉब्लम देता हूं और आपको कहता हूं कि यार आप लूप से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो लूप्स को कैसे लगा सकते हो, लूप्स का यूज करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो रेपिटेशन तो दिख रहा है, अब तो आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता लगा लूप से भी सॉल्व हो सकता है, यार रेपिटेशन तो दिख ही रहा है ना। आपके पास n एलिमेंट्स, मान लो 10 एलिमेंट है, आपको हर एक एलिमेंट पे जाके कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ये फाइंड आउट करने के लिए x है या नहीं है, तो रेपिटेशन तो है। क्या रेपिटेशन है कि यार आप एक एक करके 0th इंडेक्स से लेकर n माइनस 1th इंडेक्स तक जाओ, आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाओ, ठीक है। आप पहले 0th इंडेक्स पे गए, फिर आप 1st इंडेक्स पे गए, फिर आप 2nd इंडेक्स पे गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे करते करते आप n माइनस 1th इंडेक्स तक गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। एक एक करके आप सारे इंडेक्सेस पे जाओ और उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसे कंपेयर कर लो एक्स के साथ, जो भी एलिमेंट पड़ा था उसे एक्स के साथ कंपेयर कर लो कि क्या ये एलिमेंट एक्स के बराबर है या नहीं है।
अगर तो ये एलिमेंट x के बराबर है तो अब तो हमें एलिमेंट मिल गया ना। एक एक करके सारे एलिमेंट को लूप्स में कवर करो। पहले एक वैल्यू, एक पॉइंटर बनाओ i, ठीक है। i पहले जीरोथ इंडेक्स पे होगा, तो जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर करो x के साथ। क्या ये एलिमेंट x के बराबर है? अगर है तो आंसर मिल गया, अगर नहीं है तो हमें उम्मीद है कि बचे हुए एरे में मिल जाएगा, तो i को एक मूवमेंट आगे बढ़ा देंगे, है ना। i वन पे आ गया। अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसे x से कंपेयर कर लेते हैं। क्या ये फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट x के बराबर है? मान लो चलो ये भी नहीं है, तो उम्मीद है कि बची हुई एरे में होगा। दो एलिमेंट खर्च कर चुके हैं, बची हुई एरे पे जाते हैं, सेकंड इंडेक्स पे आ गए। क्या ये एलिमेंट x के बराबर है? एंड सो ऑन, एक एक करके यही करते हुए जाएंगे। एक एक करते करते अगर कहीं पे बीच में एलिमेंट मिल गया तब तो आंसर मिल गया। फाइनली मान लो लास्ट इंडेक्स पे आए और लास्ट इंडेक्स पे भी आंसर नहीं मिला, मतलब लास्ट इंडेक्स पे भी x नहीं मिला, बीच में पहले भी कहीं नहीं मिला, लास्ट इंडेक्स पे भी कहीं नहीं मिला, तो इसका मतलब x है ही नहीं, तो x को हम लोग नो करार कर देंगे, है ना। तो सिंपल बात है, लूप से तो देखो बहुत सिंपल बात है, एक एक करके सारे इंडेक्सेस पे जाना है, उस इंडेक्स को कंपेयर कर देना है x से। एक भी इंडेक्स पे x के बराबर वैल्यू मिल गई तो आंसर है यस, अगर एक भी इंडेक्स पे नहीं मिली तो आंसर है नो। एज सिंपल एज दैट, इतना आसान है इसे सोचना। तो चलो ठीक है, ये बात तो हो गई लूप से। इसे रिकर्सिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यार टेक्निकली ना रिकर्सिवली भी यही करना है हमें, रिकर्सिवली भी ना बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, रिकर्सिवली ओवरऑल करना तो कुछ ऐसा ही है। क्या करना है चलो देखते हैं। मैं कहता हूं कि यार अब चलो लूप्स छोड़ो, लूप्स वगैरह छोड़ो, रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यार लूप्स में क्या होता था, जीरोथ इंडेक्स पे तुमने कंपेयर करा, अगर तुम्हें जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू एक्स मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो तुम्हें उम्मीद है कि शायद बचे हुए में मिल जाए, है ना। तो तुम पता है क्या कहोगे, तुम रिकर्जन में भी यही कहोगे, इस एरे पे रिकर्जन लगाना है। टेक्निकली पढ़ने तो सारे इंडेक्सेस पढ़ेंगे, ये बात तो पक्की है ना कि सारे इंडेक्सेस पढ़ने पड़ेंगे तभी आंसर बनेगा, ठीक है। तो अगर सारे इंडेक्स पढ़ने पड़ ही रहे तो मैं एक फंक्शन लिखता हूं एफ, उस फंक्शन में अपनी एरे पास करूंगा, एरे की लेंथ पास करूंगा, ये दोनों चीजें पास करनी पड़ रही हैं, और एक आई वैल्यू पास करूंगा जो क्या बताएगा कि करंट कौन से इंडेक्स पे है, क्योंकि जब भी हमें एरे पे इंडेक्सेस से आइटरेट करना पड़ता है एक आई वेरिएबल तो लग ही रहा है। चलो चलो सही है। अब ये फंक्शन क्या बताता है, ये फंक्शन क्या डिनोट करता है, ठीक है ये सोचते हैं। तो दिस फंक्शन returns whether element x, अब देखो एक एलिमेंट x है तो x भी आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब x की भी जरूरत है, जिस एलिमेंट को ढूंढना है वो भी फंक्शन में अवेलेबल होना चाहिए जिससे एरे पे इटरेट कर रहे हैं या रिकर्स कर रहे हैं। तो चलो x भी डाल दिया मैंने, तो मैं कहूंगा द फंक्शन returns whether element x is present in the array ARR from index I to n minus 1 or not, right? तो ये फंक्शन हमें क्या बताने वाला है, ये फंक्शन ये बताएगा कि इस गिवन एरे में इंडेक्स I से लेकर, ये मान लो हमारा इंडेक्स I है, तो इंडेक्स I से लेकर n minus 1 इस रीजन में, देखो बाकी सारे इंडेक्सेस भूल जाओ, इंडेक्स I से लेकर n माइनस वन तक इस रीजन में क्या x प्रेजेंट है या नहीं है, क्या x प्रेजेंट है या नहीं है, यह बात फिगर आउट करके लानी है कि इस रीजन में x है या नहीं है, ठीक है। तो अगर यह फंक्शन यह रिटर्न करता है किसी तरह से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, है ना, तो मैं कहता हूं मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा ए आर आर कॉमा एन, जो भी एरे है उसका पॉइंटर पास कर देंगे, एन पास कर देंगे, राइट, और आई की वैल्यू कर देंगे जीरो और x as it is, right? I की वैल्यू जीरो क्यों, क्योंकि फाइनली जब ओवरऑल सब इंप्लीमेंटेशन हो जाए, मैं फंक्शन लिख पाऊं सब कुछ करने के बाद, टेक्निकली तो मुझे ये करना है ना कि जीरोथ इंडेक्स से लेकर n माइनस वन इंडेक्स तक इस रीजन में क्या x है या नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, मेन से जब मैं कॉल करूंगा तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा, राइट। बट अभी फाइनल आंसर तक तो आएंगे, फाइनल आंसर तक किसी तरह आएंगे, पहले इस जनरल रिलेशन को तो लिख लें कि ओवरऑल इन जनरल अगर आपको ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो किसी भी आईएथ इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक के बीच में बता दे कि एक्स है या नहीं है, इस बात को कैसे फिगर आउट करा जा सकता है। अच्छा अब रिकर्सिवली लिखना है, ये बात तो पक्की है ना, रिकर्सिवली लिखना है, तो चलो देखते हैं। अब मैं क्या कहता हूं,
यार देखो इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो सिर्फ जीरो इंडेक्स पे ही चॉइस लेके देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ सवाल ना सॉल्व ही हो जाएगा। मैं कहता हूं देखो दो ही चॉइस है, या तो एलिमेंट एक्स जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। जो तो एलिमेंट एक्स जीरो इंडेक्स पे पड़ा है तब तो बाकी कुछ ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। जो तो एक्स पे पड़ा है तो बाकी कुछ ढूंढने क्यों जाना है भाई, पड़ा तो है एलिमेंट, दिक्कत क्या है। तो अगर एलिमेंट एक्स मुझे आईएथ इंडेक्स पे ही मिल गया, अगर मेरा जो एलिमेंट एक्स जो मुझे ढूंढना है वो जिस भी आईएथ इंडेक्स पे मैं हूं उसी इंडेक्स पे मिल गया, मान लो अभी आई की वैल्यू जीरो है, तो अगर मुझे एक्सएथ इंडेक्स और एक्सएथ एलिमेंट आईएथ इंडेक्स पे ही मिल गया तब तो सही है, ये एलिमेंट मुझे आईएथ इंडेक्स पे मिल गया, मैं यहीं से ट्रू रिटर्न कर जाऊंगा, मुझे आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक्स आगे हो या ना हो, मुझे तो एक अकरेंस फाइंड करनी है ना। तो अगर मुझे एक्स जीरो इंडेक्स पे ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है, जीरो इंडेक्स पे मिल गया सही है, यहीं से रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। अगर मान लो जीरो इंडेक्स पे नहीं मिला, दूसरी चॉइस क्या है, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं कहूंगा अच्छा चलो यहां पे तो मुझे एक्स नहीं मिला, क्या मुझे एक्स रिमेनिंग एरे में मिल सकता है, मैं ये सवाल करूंगा। चलो जीरो इंडेक्स पे नहीं मिला, क्या मुझे रिमेनिंग एरे में एक्स मिल सकता है। अगर मुझे रिमेनिंग एरे में एक्स मिल सकता है, अगर x हमारी रिमेनिंग एरे मतलब 1 से लेकर n माइनस 1, या अगर जीरो इंडेक्स को i कहते हो तो i प्लस 1 से लेकर n माइनस 1, अगर इस रीजन में एक x मिल जाता है तो भी आंसर ट्रू है। अगर जीरो पे भी नहीं मिला, या मैं कहूं i पे भी नहीं मिला, और i प्लस 1 से n माइनस 1 यहां पे भी नहीं मिला, तब तो x एरे में है ही नहीं, as simple as that। तो मैं पता है क्या कहता हूं, मैं यहां पे कहूंगा कि यार देखो आप एक काम करो, आप ये चेक कर लो कि जो भी मेरा ith इंडेक्स है क्या वहां पे x पड़ा है। मैं भी ith इंडेक्स 0 है, कभी ith इंडेक्स 5 पे होगा, कभी तो 10th पे होगा, तो जिस पे भी i पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या x पड़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग तो i 0 से ही करेगा। तो 0 के रिस्पेक्ट में भी अगर देखना चाहो क्या 0th इंडेक्स पे x पड़ा है, जो तो अगर पड़ा है तब तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं पड़ा है तो मैं क्या कहूंगा, आप रिमेनिंग एरे में सर्च कर लो, मेरे को करंट इंडेक्स ith इंडेक्स पे नहीं मिला, आप रिमेनिंग एरे पे सर्च कर लो। रिमेनिंग एरे पे कैसे सर्च करेंगे, अगर फंक्शन arr, n, i, x i से लेकर n माइनस 1 तक के बीच में x ढूंढ के लाने की कैपेसिटी रखता है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं अज्यूम कर लूंगा, लेट्स अज्यूम कि f ऑफ arr, n, i प्लस 1, x, ये फंक्शन क्या बता रहा है। अगर i, x से बताता है कि i से लेकर n माइनस 1 तक के बीच में x है या नहीं है, तो i प्लस 1, x क्या बताएगा कि i प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 तक के बीच में x है या नहीं है, इसका मतलब रिमेनिंग एरे, क्या यहां पे x है या नहीं है। अगर ith इंडेक्स पे ही x मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर ith पे नहीं मिला और रिमेनिंग में मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर दोनों में से कहीं नहीं मिला मतलब करंट इंडेक्स पे भी नहीं है रिमेनिंग एरे में भी नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं इसके बीच में मैं और ऑपरेटर लगा देता हूं, राइट, कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तब तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता यहां से बचे हुए एरे में एक्स पड़ा हो तो ट्रू मिल जाए। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स आ गई तब तो आंसर फॉल्स है कि यार आई से लेकर एन माइनस वन तक के बीच में तो एक्स नहीं है, ये बात पक्की है, राइट। तो टेक्निकली मैं कहूं, मैं यहां पर इसको स्टेप ऑफ अजम्पशन ले रहा हूं, राइट, और स्टेप ऑफ अजम्पशन मेरा क्या है, अजम्पशन क्या है, लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम कर लेंगे द फंक्शन वर्क्स वेल, भाई फंक्शन सही चलता है फॉर एफ ऑफ ए आर आर कॉमा एन कॉमा आई प्लस वन कॉमा एक्स। यार आई प्लस वन के लिए ना बाकी आर्ग्यूमेंट सेम रहने वाले हैं, आई प्लस वन आई ही चेंज होने वाला है, मैं कहूंगा आई प्लस वन के लिए आंसर सही आता है, इसका मतलब फंक्शन correctly evaluates whether x is present in the range i plus 1 to n minus 1। इसका मतलब ये फंक्शन हमें ये सही सही लाकर दे देता है कि i plus 1 से n minus 1 तक के बीच में x है या नहीं है। और तुम खुद सोचो ना, देखो लूप लगा के भी क्या कर रहे थे, ith इंडेक्स पे चेक करते थे x है या नहीं है, वरना रिमेनिंग एरे में चेक करते थे। यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं चेक कर लूंगा कि ith इंडेक्स पे एलिमेंट है या नहीं है, ith इंडेक्स पे एलिमेंट है या नहीं है, ये जो चेक है ना, दिस चेक डिटेक्ट्स वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट
on ith index or not, right? ये ith index पे हमारा current element x present है या नहीं है ये बात ही पता करके ले आता है. अगर इस बात को ये पता करके ले आता है right, तो मैं क्या कहूंगा कि अब या तो present होगा या नहीं होगा. अगर present है तो आगे वो चेक ही मत करो, सीधा true return कर दो. और अगर present नहीं है, और अगर present नहीं है तो यार रिमेनिंग एरे में से अगर कोई मुझे बता दे कि ये रिमेनिंग एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं कॉल ले सकता हूं कि भाई जीरो में भी नहीं था, रिमेनिंग एरे में भी नहीं था, तब तो आंसर फॉल्स है. अगर जीरो में नहीं था और रिमेनिंग एरे में था तो आंसर ट्रू है. तो मतलब अगर मैं कहीं से कोई मुझे ये इवैल्यूएट करके दे दे कि आई प्लस वन, मतलब जो रिमेनिंग एरे है आई प्लस वन से एन माइनस वन, इस रेंज में एक्स है या नहीं है, ये मुझे कोई इवैल्यूएट करके दे दे, तो मेरा काम बन जाएगा. सिचुएशन देखो, अगर एक्स आईथ इंडेक्स पे ही है तो ट्रू, तो बचा हुआ चेक ही नहीं करना. और अगर x नहीं है तो जो भी बचे हुए में है, मतलब अगर बचे हुए में मुझे x मिल गया तो आंसर ट्रू, अगर बचे हुए में x नहीं मिला तो मतलब f ऑफ arr को i प्लस वन फॉल्स है, तो आंसर भी फॉल्स. तो क्या मैं कह सकता हूं ये और गेट सही सेटअप हो रहा है और ये हमारी रेकरेंस हो जाएगी. ये रेकरेंस क्या कहती है कि ये फंक्शन बताता है कि i से लेकर n माइनस वन तक के बीच में x है या नहीं है. आप ये चेक कर लो कि यार ith इंडेक्स पे x है या नहीं है. अगर ith इंडेक्स पे x है तो आगे चेक ही मत करो, बाकी कोई कॉल जानी ही नहीं चाहिए. और अगर ith इंडेक्स पे x नहीं है राइट, अगर ए आर आर ऑफ आई एक्स के बराबर नहीं है, आईथ इंडेक्स पे हमारे पास एक्स नहीं है, तो भाई रिमेनिंग एरे में चले जाओ, रिमेनिंग एरे में चले जाओ और वहां चेक कर लो कि क्या वहां पे एक्स है या नहीं है. दैट्स इट. ये हमारा स्टेप ऑफ अजम्पशन हो जाएगा. इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये फंक्शन कॉल सही चलती है और इसे कर देंगे सेल्फ वर्क. यार कि हम लोग पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं, इस बार सेल्फ वर्क पहले कर लेते हैं. मैं इवैल्यूएट कर लेता हूं कि आईथ इंडेक्स पे एक्स है या नहीं है, क्योंकि अगर मिल गया ना तो बचा हुआ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बची हुई कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ट्रू रिटर्न कर जाएंगे. दैट इज इट. और मेन फंक्शन से हम लोग कॉल क्या करेंगे, मेन फंक्शन से ये कॉल कर रहे होंगे आई की वैल्यू जीरो पास करके. दैट्स इट राइट. रिकर्जन की हमारे पास रेकरेंस आ गई है. इस रेकरेंस को हम लोग को कोड करने की कोशिश करनी है कि इसे कोड कर लेते हैं. बट कोड करने से पहले एक छोटी सी चीज जो पेंडिंग है वो है बेस केस. बेस केस यार, बेस केस क्या होगा यार, आप एक बात सोचो. अगर i की वैल्यू n माइनस वन को क्रॉस कर जाए, अगर i की वैल्यू n माइनस वन को क्रॉस कर जाए, मतलब i की वैल्यू n हो जाए, इफ i बिकम्स n, इसका मतलब एरे में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, क्योंकि लास्ट एक्सेसिबल इंडेक्स था n माइनस वन. आप आ चुके हो n पे, मतलब आपके पास लास्ट i यहां पे था, अब आई यहां पे आ गया, मतलब आपने एरे एग्जॉस्ट कर दिए. भाई अगर एरे एग्जॉस्ट कर दिए मतलब कोई एलिमेंट बचा नहीं, अगर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो क्या एक्स पड़ा हो सकता है क्या आगे, या करंट कुछ नहीं, नहीं हो सकता राइट. कोई एरे बची ही नहीं ना आपके पास, एरे एग्जॉस्ट हो चुकी है. तो ऐसे केस में आप क्या कर दोगे, रिटर्न फॉल्स. यहां पर तो आपको पता है ना, अगर एरे की लेंथ ही जीरो है तो एक्स कुछ भी दे दो कभी होगा ही नहीं. दैट्स इट. ये आ गई हमारी रेकरेंस, ये आ गया हमारा बेस केस. इसे हम एज इट इज कोड करेंगे, सीधा सीधा कोड कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा. सो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द कोडिंग इंप्लीमेंटेशन और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग रिकर्सिवली कोड कर सकते हैं. तो चलो यार हमारी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं राइट. एक बेसिक बॉयलर प्लेट में सेटअप कर लेता हूं. सो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट में, ठीक है. एक बेसिक बॉयलर प्लेट मैंने सेटअप कर लिया है, चलो ठीक है. अब मैं क्या कहूंगा, एक फंक्शन लिखते हैं f. अब देखो फंक्शन हमारा क्या बता रहा है, हमारा फंक्शन f ये बताता था कि एरे में एलिमेंट है या नहीं है, आईथ इंडेक्स से n माइनस वन एथ इंडेक्स तक है या नहीं है. सो होना या ना होना, तो दो ही स्टेट्स है, तो बूलियन रिटर्न करना सेंस बना रहा है. सो बूल f, फंक्शन के नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तुम कुछ और नाम रखना चाहते हो रख सकते हो. पहला आर्गुमेंट क्या है, एरे है, तो एरे को पॉइंटर से पास कर देते हैं. दूसरा आर्गुमेंट है लेंथ ऑफ द एरे. तीसरा आर्गुमेंट है इंडेक्स आई की करंट कौन से इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं या कहां से लेकर एंड तक का आंसर आ रहा है. और एक एलिमेंट है एक्स, द एलिमेंट टू बी फाउंड, जिसे ढूंढना है. सबसे पहले लिख देंगे बेस केस. बेस केस मैंने क्या बताया कि यार अगर आई की वैल्यू एन हो गई है, इसका मतलब क्या है, एरे इज एग्जॉस्टेड. अगर एरे एग्जॉस्ट हो गई है मतलब एरे में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो एक्स को ढूंढ सकते हो क्या. अगर x मिलना था ना तो पहले मिल चुका होता, अब नहीं मिलने वाला तो रिटर्न फॉल्स राइट. एज सिंपल एज दैट, है ना, फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे. और अगर मान लो i की वैल्यू n पे नहीं पहुंची है, तो मतलब 0 से n माइनस वन के बीच में कहीं लाई कर रही है, तो मैं कहूंगा कि रिटर्न
आप ये चेक कर लो कि यार आईएथ इंडेक्स पे ही तो एक्स नहीं पड़ा क्या, आईएथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वही तो एक्स के बराबर नहीं है। अगर वही एक्स के बराबर है तो आगे कुछ चेक ही मत करो, अगर वो बराबर नहीं है तो जाओ और चेक करो कि क्या रिमेनिंग एरे में मतलब आई प्लस वन से लेकर एन माइनस वन तक के बीच में एक्स है या नहीं है। अगर वहां भी नहीं मिला तब तो पूरे एरे में ही एक्स नहीं है आई से लेकर एन तक में, अगर वहां मिल गया तो हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू एंड दैट्स इट। बस ये करना है हमें, देखो एक एरे बना लेते हैं ठीक है, ये एरे मैंने बना ली, इस एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखो कितने एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है यहां, पांच एलिमेंट है यहां, टोटल दस एलिमेंट है ठीक है। और एक एलिमेंट टू बी फाउंड रख लेते हैं, जैसे आठ ढूंढ रहे हैं, आठ ढूंढ रहे हैं है ना। तो मैं कहूंगा बूल रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आर आर कॉमा एन कॉमा जीरो कॉमा एक्स। देखो मैंने ये कहा था मेन से मैं यही कॉल करूंगा कि मुझे जीरो इंडेक्स से लेकर एन माइनस वन इंडेक्स तक के बीच में एक्स है नहीं है ये बता दे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ रिप्रेजेंट्स वेदर एक्स इज प्रेजेंट इन द रेंज आई टू एन माइनस वन और नॉट राइट। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या पास करनी है, जीरो पास करनी है। और यहां पे हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है तो हम सी आउट कर देंगे यस, अदरवाइज हम लोग सी आउट कर देंगे नो है ना। अगर रिजल्ट ट्रू है तो यस प्रिंट कर दो, ट्रू नहीं है तो नो प्रिंट कर दो, एज सिंपल एज दैट ठीक है। चलो इसे रन करके देखते हैं ठीक है। यस आ रहा है, आठ प्रेजेंट है, देखते हैं एटीन प्रेजेंट नहीं है, रन करते हैं, नो आ रहा है ठीक है, फाइव प्रेजेंट है ठीक है सही आ रहा है। लास्ट एलिमेंट को ना फिफ्टीन कर देता हूं, फिर 15 सर्च करता हूं, क्या 15 सही मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। क्या माइनस 15 मिल रहा है, जी नहीं नहीं मिल रहा है। और देखो सही चल रहा है, काफी सारे टेस्ट केसेस हमने टेस्ट करे हैं और सही चल रहा है क्वेश्चन राइट। और लॉजिक सिंपल है, हमने क्या करा आईथ इंडेक्स पे चेक करा कि क्या एलिमेंट एक्स प्रेजेंट है या नहीं है, अगर आईथ इंडेक्स पे है तब तो आगे जाओ ही मत, तो ये और ऑपरेटर आगे इवैल्यूएट ही नहीं करेगा। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम जाएंगे और आगे चेक करके लाएंगे राइट। अब इसका एक क्विक ड्राई रन कर लेते हैं, छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं, मैं एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट केस बना लेता हूं ठीक है। 5418 के लिए बना लेते हैं, n की वैल्यू हो गई 4 और मान लो 8 ही सर्च करना है ठीक है। तो अभी के लिए तो आंसर क्या आना चाहिए, यस आ रहा है सही है। एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्टार्ट करते हैं इसका डीबगिंग, मैं कोड ले आता हूं, कोड ये हमारे पास आ गया और यहां पे हम लोग कॉल स्टैक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है वो होने वाला है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन में एक एरे बना ली है तो मैं एरे वगैरह यहां पे बना रहा हूं 5418 ठीक है। एक वैल्यू है n 4, एक वैल्यू है x 8 और एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहे हैं, एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहे हैं लाइन नंबर 18 पे। देखो लाइन नंबर 18 पे एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहे हैं जिसका आंसर आएगा एक फंक्शन कॉल से। जैसे ही एक फंक्शन कॉल हो रही है, जैसे ही हमारी एक देखो यहां पे फंक्शन कॉल हो रही है, फंक्शन कॉल का मतलब क्या है कि रिकर्जन कॉल हो जाना चाहिए। तो चलो हम लोग एफ फंक्शन को कॉल कर देते हैं ठीक है। एफ फंक्शन में एरे तो हमारी यही एरे का बेस एड्रेस का पॉइंटर आ रहा है, एन की वैल्यू यही 4 है ना। इस एफ फंक्शन में एन की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 0 है, 0 से कॉल किया आपने, आई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू वही 8 है ठीक है, एक्स की वैल्यू वही 8 है। मैं लाइन नंबर 6 पे आया, लाइन नंबर 6 पे आया, क्या आई की वैल्यू या आई की वैल्यू 0 क्या एन के बराबर है, क्या 0 बराबर है 4 के, जी नहीं। तो ये इफ का चेक पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा लाइन नंबर 10 पे। लाइन नंबर 10 पे ये कहता है रिटर्न दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन। तो पहली एक्सप्रेशन क्या है, क्या आईएथ इंडेक्स पे एक्स पड़ा है, एक्स, एक्स की वैल्यू 8, आई की वैल्यू है 0, क्या जीरोथ इंडेक्स पे 8 है, नो 8 नहीं है। तो देखो तो हमारे पास यहां पे
एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स, और इस दूसरी एक्सप्रेशन का आंसर क्या है, फंक्शन कॉल से आएगा, राइट। तो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, एक और फंक्शन एफ की कॉल हो गई, एन की वैल्यू अभी भी 4 है, एक्स की वैल्यू अभी भी 8 है, बट आई की वैल्यू क्या होगी, आई यहां पे 0 था, आपने 0+1 करके पास कराया तो 1 हो गया, राइट। और मैं यहां पे चेक कर लूंगा, देखो लास्ट फंक्शन को हम लोग लाइन नंबर 10 पे छोड़ के गए हैं, नए फंक्शन कॉल की पहली लाइन क्या है, लाइन नंबर 6, क्या आई एन के बराबर है, क्या आई इक्वल्स टू 1 4 के बराबर है, क्या 1 4 के बराबर है, जी नहीं। तो ये पूरा इफ का चेक एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। मैं दोबारा लाइन नंबर 10 पे आऊंगा, पहली एक्सप्रेशन क्या है, क्या आईथ इंडेक्स पे एक्स पड़ा है, आई की वैल्यू है 1, क्या फर्स्ट इंडेक्स पे 8 पड़ा है, जी नहीं। तो पहला एक्सप्रेशन तो हो गया फॉल्स, और दूसरे एक्सप्रेशन का आंसर किससे आ रहा है, फंक्शन कॉल से आ रहा है, तो लाइन नंबर 10 पे छोड़ के जाएंगे और फंक्शन कॉल कर देंगे। यहां पे फंक्शन अगेन एन की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 8, आई की वैल्यू, पुराने वाले फंक्शन कॉल में आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1+1 की वैल्यू 2 हो गई है, कैन आई से दैट। अब दोबारा चेक करेंगे, क्या 2 की वैल्यू 4 के बराबर है, जी नहीं, ये बराबर नहीं है। तो दोबारा पहली एक्सप्रेशन पे आएंगे, पहली एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे 8 नहीं पड़ा है। अगली एक्सप्रेशन पे चलेंगे, और ये कहां से आ रही है, फंक्शन कॉल से आ रही है, लाइन नंबर 10 पे छोड़ के जाएंगे, फंक्शन कॉल n इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 8, और फंक्शन कॉल करने के लिए i प्लस 1, i की वैल्यू 2 थी, तो 2+1 मैंने 3 पास कर दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या 3 की वैल्यू n के बराबर है, जी नहीं, लाइन नंबर 10 पे आएंगे, क्या arr एट 3 पे x पड़ा है, arr एट 3 मतलब ये, क्या इस पे 8 पड़ा है, जी हाँ 8 पड़ा है। तो पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, और अगर पहले एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो आगे कुछ इवैल्यूएट ही नहीं होगा, राइट। मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा ट्रू, तो मैं यहां से, या मैं ऐसे कहता हूं, यहां से इस एक्सप्रेशन को ट्रू मिल जाएगा और ये फंक्शन कॉल एंड हो जाएगी। ये फंक्शन कॉल जैसे ही एंड होगी, मैं पुराने वाली फंक्शन कॉल में आऊंगा, लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे आप छोड़ के गए थे, पहले एक्सप्रेशन का आंसर था फॉल्स, दूसरे एक्सप्रेशन का आंसर ऊपर वाले स्टैक फ्रेम से आ गया टू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, तो यहां से भी आप ट्रू रिटर्न कर दोगे और ये एंड हो गया। सेम चीज इस वाली फंक्शन कॉल के लिए, आप लाइन नंबर 10 पे छोड़ के गए थे, ऊपर वाली फंक्शन कॉल से आंसर आ गया ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, तो यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, एंड दिस इज ऑल्सो डन। वापस आएंगे यहां पे, अगेन फॉल्स और ट्रू, लाइन नंबर 10 पे फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, तो बूलियन रिजल्ट में आ जाएगा, हमारे मेन फंक्शन में आ जाएगा ट्रू। और अगर एक बारी रिजल्ट वेरिएबल में ट्रू आ गया है, देखो अब हम लोग लाइन नंबर 18 पे वापस आ जाएंगे, लाइन नंबर 18 पे रिजल्ट में ट्रू आ गया, तो अगर रिजल्ट ट्रू है तो यस प्रिंट हो जाएगा, वरना नो प्रिंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और इसी चीज को अगर मैं आपको वीएस कोड पे करके दिखाऊं, सेम चीज ही हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हम लोग मेन फंक्शन पे हैं, एफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो देखो एफ फंक्शन की कॉल चली गई है। अभी हम लोग एफ फंक्शन में लाइन नंबर 6 पे हैं, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या 0 बराबर है 4 के, जी नहीं, तो आगे बढ़ गए, क्या ए आर आर एट आई बराबर है एक्स के, देखो क्या ए आर आर एट आई, ए आर आर एट 0 जो कि 5 है, देखो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, क्या ये बराबर है 8 के, जी नहीं। और में हमारे पास है फंक्शन कॉल, तो यहां पे देखो एक फंक्शन कॉल होगी आई प्लस 1 के लिए, क्या 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, जी नहीं, क्या फर्स्ट इंडेक्स पे एक्स पड़ा है, जी नहीं, तो अगेन एक और फंक्शन कॉल, देखो तीसरे फंक्शन कॉल, क्या 2 बराबर है 4 के, जी नहीं, क्या ए आर आर एट 2 बराबर है एक्स के, क्या ये 1 बराबर है 8 के, जी नहीं, सो अगेन वन मोर फंक्शन कॉल। यहां पर एक्स की आई की वैल्यू हो गई 3, इज 3 डबल इक्वल्स टू 4, नो, इज ए आर आर एट 3 दैट इज लास्ट इंडेक्स क्या 8 के बराबर है, जी हाँ, तो अब यहां से सीधा ट्रू रिटर्न कर जाओगे और देखो आप वापस आ गए हो पुरानी फंक्शन कॉल में। अब पुरानी फंक्शन कॉल में यहां पे फॉल्स था, यहां पे हमें ट्रू मिल गया है, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू, यहां पे भी फॉल्स था, ये ट्रू हो गया, फॉल्स और ट्रू ट्रू, सेम फॉल्स और ट्रू ट्रू, रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा ट्रू, देखो, और अगर ट्रू है तो यस प्रिंट कर दो, राइट, अदरवाइज नो प्रिंट कर दो, एंड दैट्स इट। तो देखो यहां पे यस प्रिंट हो रहा है।
तो सिंपल हम लोगों ने सिंपल इंट्यूशन लगाई कि यार अगर मैं अज्यूम कर लूं कि बची हुई एरे का आंसर कोई मुझे लाके दे देगा कि बची हुई एरे में एक्स है या नहीं है, और मैं क्या करूंगा उस बची हुई एरे में एक्स है या नहीं है ये जानने से पहले ये चेक कर लूंगा क्या करंट इंडेक्स पे एक्स है या नहीं है। अगर करंट इंडेक्स पे एक्स मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, वरना बची हुई एरे में अगर एक्स है तो हमारा काम बन जाएगा, अगर कहीं पे भी एक्स नहीं है तो हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। तो सारे बच्चों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बारी इस प्रॉब्लम का कोड खुद से करने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने काफी क्लीन कोडिंग इंप्लीमेंटेशन लिखी है, इसको खुद से एक बारी कोड करने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है। पेन पेपर पे इसे एक बारी ड्राई रन करने की भी सब लोग जरूर कोशिश करने वाले हैं, है ना। चलो, सो आई होप कि पहला सवाल सबको सही से समझ में आया होगा। फटाफट से हॉप ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज टू ऑफर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपनी सेकंड प्रॉब्लम पे गाइस। राइट, ये प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रिकर्शन में अब तक हम लोगों ने जितनी भी प्रॉब्लम्स करी हैं उनसे पहला ये लेवल अप रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा एक लेवल अप रहेगा, और बेसिक मैथमेटिक्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी होंगी उसके बेसिस पे हम इसकी कुछ इंट्यूशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। सो क्वेश्चन कहता है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, आपको अगेन एक एरे गिवन है इंटीजर्स की, इंटीजर एरे आपके पास गिवन है। ठीक है, ऐसे मान लो कुछ तो आपके पास इंटीजर एरे गिवन है। ठीक है, चलो प्रिंट सम्स ऑफ ऑल सबसेट्स इन इट, आपको उस एरे से बनने वाले सारे के सारे सबसेट्स का सम प्रिंट करके लेकर आना है। राइट, आउटपुट सम्स कैन बी प्रिंटेड इन एनी ऑर्डर, तो आपको सारे सबसेट का सम लाना है, और जो ये सम मान लो 6, 7, 8 जितने सबसेट्स हैं, मान लो कुछ x सबसेट्स हैं, हर सबसेट का आपको सम लेना है, और ये सम किसी भी ऑर्डर में आप प्रिंट कर सकते हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है ना। अच्छा, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सबसेट क्या है, आगे थोड़ी सी और डिटेल में बात करने वाले हैं। राइट, जिसमें हम लोग सबसेट्स को भी समझेंगे, बट एक नटशेल में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मान लो आपके पास एक सेट गिवन है, राइट, उस सेट में से आप कुछ एक्स एलिमेंट्स को पिक करते हो, राइट, और कुछ वाई एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर देते हो, राइट, तो जो एक्स एलिमेंट्स आपने पिक करे ये इसका एक सबसेट होगा। राइट, और बात करेंगे इस पर। राइट, सो मान लो कि आपके पास एरे गिवन है 2, 3, इसी को आप अपना एरे मानो, इसी को अपना सेट मानो। राइट, तो अब इस 2, 3 एरे के कितने सबसेट होंगे, एक सबसेट होगा एम्प्टी सेट, एक सेट होगा 2, एक सेट होगा 3, एक सेट होगा 2, 3। तो देखो एम्प्टी सेट है, 5 सेट है, तो सम हो गया 0। इस सबसेट में एक ही एलिमेंट है 2, तो सम हो गया 2। इस सबसेट में एक एलिमेंट है 3, तो सम हो गया 3। इस सबसेट में दो एलिमेंट है 2, 3, तो सम हो गया 2+3, 5। राइट, ऐसे आपको सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, 2, 4, 5, इसके क्या क्या सबसेट्स होंगे। एक सबसेट होगा अगेन 5, नल सेट, एक होगा 2, एक होगा 4, एक होगा 5, एक होगा 2, 4, एक सबसेट होगा 4, 5, एक सबसेट होगा 2, 5, एक सबसेट होगा 2, 4, 5। ये जो हमारे पास 5 सेट है इसका सम आ गया 0, ये सबसेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 2, तो उसका सम आ गया 2, ये सबसेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 4, तो उसका सम आ गया 4, ये सबसेट है जिसमें एक एलिमेंट है 5, तो उसका सम आ गया 5, यहां पे सबसेट है 2, 4, सो 2+4 हो गया 6, यहां पे सबसेट है 4, 5, सो 4+5 हो गया 9, तो देखो आपके पास 9 यहां पे एक सम है। फिर एक सबसेट हो गया 2, 5, सो इसका सम हो गया 7, फाइनली 2, 4, 5, इसका सम हो गया 11। राइट, तो ये आपके पास गिवन सबसेट्स आ गए हैं। राइट, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इस एरे के जितने भी सबसेट्स बनते हैं, गिवन एरे के जितने भी सबसेट बनते हैं, हर सबसेट के एलिमेंट्स का, इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स उस सबसेट में है, उनका सम निकाल के आपको प्रिंट करना है। तो यहां पे जितने भी सबसेट्स हैं उन सब इंडिविजुअल सबसेट्स में क्या सम बन रहा है एलिमेंट्स का, वो मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया। राइट, सो आई होप ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पे आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि यार आप लोग एक बारी यहां पे वीडियो को पॉज करो। देखो सबसेट एक ऐसी चीज है जो आपने कहीं ना कहीं एलिमेंट्री क्लासेस में जरूर पढ़ी होगी, चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। राइट,
एक बारी के लिए ट्राई करो कि सबसेट की थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, कैसे सबसेट कैलकुलेट करे जाते हैं, कितने सबसेट कैलकुलेट करे जाते हैं, ये जो फॉर्मुलाज होते हैं सबसेट के, ये आप रिकॉल करने की कोशिश करो। एक बार इनको रिकॉल करो और फिर उन चीजों को यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो कि क्या इस क्वेश्चन में वो सबसेट की थ्योरी जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी क्या वो किसी तरह यूज हो सकती है। राइट, हिंट मैं जरूर दे सकता हूं आपको। हिंट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, वो सारी जो सबसेट वाली थ्योरी थी, वो फॉर्मुलेज थे, उसमें से कुछ फॉर्मुलाज यहाँ पे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट, अगर आपको ये बात पता है कि वो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, उनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों है वो फॉर्मूला, क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम में प्रोग्रेस ले पाओगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है अगर मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बात करूं या फिर ओवरऑल रिकर्जन की कंसेप्ट क्लैरिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं। सो लेट्स सी, यहां पे एक वीडियो को पॉज दो एंड गिव अ गुड शॉट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप गाइस कि सब लोगों ने एक फेयर ट्राई दिया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इन केस अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए या इनफैक्ट कर भी पाए, तो एक आपको जरूर से ये अप्रोच देखनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। पहली बार अगर आप मान लो आपको ऐसा सबसेट जैसा प्रॉब्लम सोचना हो, तो इंट्यूशन के साथ आप चीजें कैसे फिगर आउट करोगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे प्रॉब्लम की, वो है सबसेट। आपको ना सबसेट समझने की जरूरत है, सबसेट का कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है। तो देखो, मान लो आपके पास एक सेट है। अब ये सबसेट का जो कंसेप्ट है ना, वो एक्चुअली सेट थ्योरी से आता है। आपने एलिमेंट्री क्लासेस में सेट थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। तो मान लो आपके पास एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, राइट। आपके पास एक सेट है 1, 2, 3। अब इस सेट के सबसेट्स क्या होंगे? देखो, इस गिवन सेट के सबसेट वो इस तरीके के सेट होंगे जिसमें हम लोग जो भी एलिमेंट्स इस सेट में से आ रहे हैं, उनमें हर एलिमेंट पे कुछ चॉइसेस रखेंगे। राइट, हम लोग एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं, और एलिमेंट्स को पिक करने की जो चॉइस है ना, जरूरी नहीं है कि कॉन्टिग्यूस हो, नॉन कॉन्टिग्यूस ऑर्डर में भी आप लोग पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस गिवन सेट के सबसेट्स होंगे, एक सबसेट होगा 1, 1 कैसे आया कि यार आपने सिर्फ 1 पिक करा और 2 और 3 पिक नहीं करा, ठीक है, ओके। एक सबसेट होगा 2 कि आपने 2 पिक करा, 3 और 1 पिक नहीं करा। एक सबसेट होगा 3 कि आपने 1 और 2 पिक नहीं करा, 3 पिक करा। एक सबसेट होगा 1, 2। देखो, अब यहां पे आपको एक सेंस आएगा कि अच्छा 1, 2 दो कॉन्टिग्यूस एलिमेंट्स हमने पिक कर लिए, बट जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्टिग्यूस एलिमेंट्स को ही पिक करें। जब भी आप सिर्फ कॉन्टिग्यूस एलिमेंट्स को पिक करते हो ना, तो वो बनती है सब एरे टाइप का कंसेप्ट। मान लो एरे है और आप खाली कॉन्टिग्यूस एलिमेंट्स पिक करते जाओ, तो वो बनता है सब एरे। यहां पे क्या है कि कॉन्टिग्यूस साथ ही साथ नॉन कॉन्टिग्यूस चॉइसेस भी अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 पिक करा, 3 पिक करा, अब ये तो कॉन्टिग्यूस नहीं है, 2 पिक नहीं करा। तो देखो, 1 और 3 कॉन्टिग्यूस नहीं है ना, क्योंकि 2 को पिक नहीं करा हमने, फिर भी 1 और 3 भी एक सबसेट होंगे। सिमिलरली 2, 3 भी एक सबसेट होगा, 1, 2, 3 भी एक सबसेट होगा, साथ ही साथ एक सबसेट तुम्हारा 5 सेट या नल सेट भी होगा। ये होंगे इसके सारे के सारे सबसेट। अब हमें ये सोचना है कि ये सबसेट ना फॉर्म कैसे होते हैं। अगर मुझे एक सेट गिवन हो एरे की फॉर्म में, तो ऐसे में सबसेट कैसे बना सकता हूं? मैंने क्या कहा, आप कॉन्टिग्यूस और नॉन कॉन्टिग्यूस दोनों तरह की चॉइस लेना चाहते हो। इसका मतलब टेक्निकली आप सारे पॉसिबल वेज देखना चाहते हो। तो इससे पहले कि आप ये फिगर आउट करो कि सबसेट बनाते कैसे हैं, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा एक फॉर्मूला के ऊपर। आप मुझे बताओ कि अगर मान लो इस गिवन सेट की लेंथ है एन, है ना, कि यार इस गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में एन है, तो इस सेट के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? हाउ मेनी टोटल सबसेट्स एग्जिस्ट फॉर अ सेट ऑफ लेंथ एन। राइट, कि आपको अगर एक सेट गिवन है एन लेंथ का, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? इसका फॉर्मूला सब लोगों ने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू होती है 2^n। कि यार अगर आपके पास एन लेंथ का सेट है, तो टोटल एलिमेंट्स आपके पास एन हो गए। इन एलिमेंट्स की सारी पॉसिबल चॉइसेस अगर आप कंसिडर करोगे,
तो टोटल 2^n सबसेट्स फॉर्म होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पे। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे तीन एलिमेंट्स हैं, यहां पे जैसे तीन एलिमेंट्स हैं, तो अब n की वैल्यू हो गई 3, तो टोटल सबसेट्स जो हमारे यहां पे बन के आएंगे, n की वैल्यू हो गई 3, टोटल सबसेट जो बन के आएंगे वो होंगे 2^3, दैट इज 8 सबसेट्स। और तुम देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपके पास टोटल 8 सबसेट्स आ रहे हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे को पता है, राइट, एलिमेंट्री क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर n एलिमेंट्स हैं सेट में तो उसके 2^n सबसेट्स बन सकते हैं। क्या इस फॉर्मूले का यूज करके कुछ इंट्यूशन डिराइव कर सकते हैं? तो मिलेगा, अच्छा सर ये फॉर्मूला तो खाली सबसेट को काउंट करने के लिए ना, मुझे तो टेक्निकली सबसेट फेच करने हैं क्योंकि उसी से फिर सम निकलेगा, तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये कहूंगा यार कि अच्छा एक्चुअली ना इस फॉर्मूले को सोचो कि ये फॉर्मूला ना बनता कैसे है। मैंने तो तुम्हें अभी बता दिया कि 2^n है, बट एक्चुअली इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे है उससे बहुत ज्यादा इंट्यूशन आने वाला है हमें। चलो देखते हैं। तो मान लो आपके पास एक सेट था 1, 2, 3, आपके पास ये सेट गिवन है। अब देखो हर एलिमेंट के पास आपके पास एक चॉइस है, क्योंकि आप कॉन्टिग्यूस नॉन कॉन्टिग्यूस सारी तरह की चॉइसेस लेना चाहते हो, तो आपके पास ना हर एलिमेंट पे चॉइस होगी कि यार मैं एलिमेंट को पिक करना चाहता हूं या एलिमेंट को पिक नहीं करना चाहता हूं, राइट। देखो जितने भी सबसेट है जहां पे आपको 1 दिख रहा है, देखो ये 4 सबसेट है यहां पे 1 दिख रहा है, इन चारों सबसेट में 1 को इंक्लूड करा गया है। अगर मान लो आप इस सबसेट को देखो 1, 3, तो 1, 3 में आपने 1 इंक्लूड करा है, 3 इंक्लूड करा है, 2 को इंक्लूड नहीं करा है। अगर आप देखो 2, 3, तो आपने 2 को इंक्लूड करा है, 3 को इंक्लूड करा है, 1 को इंक्लूड नहीं करा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो इंक्लूड होगा या वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। सेम चीज यहां पे 2 चॉइसेस होंगी, पिक या फिर नॉट पिक, और सेम चीज यहां पे 2 चॉइसेस होंगी, पिक नॉट पिक, राइट। तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, तो 1 के 2 चॉइसेस, 2 के 2 चॉइसेस, 3 के 2 चॉइसेस, कैन आई से इट इज इक्वल टू 2^3, राइट। अब तुम्हें लगेगा कि अच्छा सर आप कह तो रहे हो कि हर एलिमेंट के 2 चॉइसेस हैं और आपने 1 की भी 2 चॉइसेस रखी, 2 की भी 2 चॉइसेस रखी, 3 की भी 2 चॉइसेस रखी, तो 2 × 2 × 2 = 2^3, बट क्या इसी से सही में सबसेट बनता है? जी हाँ। चलो देखते हैं। मान लो मैं चॉइसेस देता हूं कि यार मैंने 1 को चॉइस दिया कि 1 पिक होना चाहता है, तो मेरे सबसेट में 1 आ गया, 2 को चॉइस दिया कि 2 पिक नहीं होना चाहता है, तो 2 इंक्लूड नहीं हुआ सबसेट में, 3 को चॉइस दिया कि 3 पिक होना चाहता है, तो 1, 3 करके आ गया हमारा सबसेट। तीनों ने ही मान लो चॉइस ले ली कि पिक नहीं होना चाहते, नॉट पिक की स्ट्रैटेजी ले ली, तो हमारे पास ये नल सेट आ जाएगा। तीनों ने ही चॉइस ले ली कि तीनों ही पिक होना चाहते हैं, तो 1, 2, 3 ये वाला सेट आ जाएगा। मान लो 2 ने चॉइस ली कि पिक होना है, 3 ने चॉइस ली पिक नहीं होना है, 1 ने चॉइस ली पिक नहीं होना है, तो फाइनल सबसेट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज करके एक्चुअली हम लोग सारे के सारे सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी यहीं से बन रहा है कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इंक्लूड हो सकता है वो एलिमेंट या वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो सकता है। देखो दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, हमें यह पता करना है कि एक सेट के सबसेट्स कैसे निकाल सकते हैं। मुझे यह बात जरूर पता है कि एक सेट जिसमें एन एलिमेंट्स हैं उसके टोटल सबसेट 2^n होते हैं, और मैं इसी को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि 2^n का फॉर्मूला आता कहां से। तो 2^n का फॉर्मूला यहां से आता है कि यार हर एलिमेंट के पास ना 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि वो एलिमेंट पिक हो सकता है, मतलब वो एलिमेंट हमारे सबसेट में कंसीडर हो सकता है, या फिर वो एलिमेंट पिक नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो हमारे सबसेट में कंसीडर नहीं हो सकता है। तो देखो पिक का मतलब क्या है, एलिमेंट कैन बी एडेड टू द सबसेट, राइट। और नॉट पिक का मतलब क्या है, एलिमेंट कैन नॉट बी एडेड टू द सबसेट, राइट। यही दोनों स्ट्रैटेजी से सारे के सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि आपने 1 को चॉइस दी कि पिक होना है या नहीं होना है,
टू को चॉइस दी पिक होना या नहीं होना, थ्री को चॉइस दी पिक होना या नहीं होना, हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, टोटल एन एलिमेंट्स हैं, सो टू इंटू टू इंटू टू सो ऑन एंड सो फोर्थ विल गिव यू टू रेज़ टू द पावर एन. और अगर आप एग्जांपल लेना चाहो, मान लो आपने कहा थ्री इंक्लूड होना चाहता है, टू इंक्लूड होना चाहता है, वन इंक्लूड नहीं होना चाहता है, तो आपके पास सबसेट बन गया टू थ्री, राइट. तो इस फॉर्मूले का और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके हम लोग सारे के सारे सबसेट्स को फॉर्म कर सकते हैं, राइट. अगर मैं यहां पे दोबारा से 1, 2, 3 लिखूं, तो देखो सारी चॉइसेस मैं बनाने की कोशिश करता हूं. मैंने कहा कि 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो सबसेट आया 5 सेट. मैंने कहा 1 इंक्लूड होगा, 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये सबसेट आया 1. मैंने कहा 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो सबसेट आया 2. 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा, तो सबसेट आया 3, राइट. उसके बाद मैंने कहा कि 1 इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा, बट 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो 1, 2. 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 2, 3. अभी तक देखो सारे कॉन्टिग्यूस आ रहे हैं, बट एक नॉन कॉन्टिग्यूस भी आएगा. 1 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1, 3. और तीनों ही इंक्लूड कर लेंगे. सो कैन आई से इसी तरीके से हमारे सारे के सारे पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं कि हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस है, बेस्ड ऑन द कंडीशन हम सारी यूनिक चॉइसेस फिगर आउट करके लाएंगे एंड उससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n. तो ये तो देखो लॉजिक हुआ कि अगर आपके पास एक सेट गिवन है तो उससे सबसेट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उस लॉजिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. बट एक्चुअल क्वेश्चन में सेट नहीं, एरे गिवन है, तो हम उसको उसी तरीके से मान के चलेंगे कि गिवन एरे के एलिमेंट्स के सारे सबसेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं. तो इस स्ट्रैटेजी से हम लोग सारे के सारे सबसेट निकाल सकते हैं. बट क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं मांगा गया है कि एक गिवन एरे के सारे सबसेट ला दो, ये गिवन नहीं है एजेंडा क्वेश्चन का, राइट. रादर देन क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है कि यार हम लोगों को सारे पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी देखो ये सबसेट बने, इन सारे पॉसिबल सबसेट्स का सम निकालना है और फिर उन सम्स को प्रिंट करना है किसी भी ऑर्डर में. तो हर सबसेट का, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1, 3 है, 1, 3 का सम आएगा 4, 1, 2, 3 का सम आएगा 6, राइट. तो आपको अपने सारे के सारे सबसेट्स के, मतलब किसी भी एक सबसेट को कंसीडर करो, उसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो और वो तुम्हें प्रिंट करना है. और ये काम तुम्हें सारे सबसेट्स के लिए करना है कि हर इंडिविजुअल सबसेट के सारे एलिमेंट्स का सम कर दो और उसको प्रिंट कर दो. और अगर आपको क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रिंटिंग नहीं एक्सपेक्ट करी गई है, सो दैट इज गुड फॉर अस. तो अब देखते हैं कि एक बार अब हमें पता लग गया है कि सबसेट कैलकुलेट कैसे हो सकता है इस फॉर्मूले का यूज करके, और हमने यहाँ पे इंट्यूशन थोड़ी सी डिराइव करी है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका एक्चुअल एल्गोरिथम बिल्डअप कर सकते हैं. तो यार चलो देखते हैं. मान लो आपके पास एक एरे गिवन है, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो गिवन सेट है उसे हम एरे की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मान लो आपके पास एक एरे गिवन है 3 and let's say 2, 5, ठीक है, ये कुछ आपके पास एरे गिवन है. अब मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या करना है, इसके सारे सबसेट्स के सम को कैलकुलेट करके लाना है. अब देखो सबसेट कैसे कैलकुलेट होंगे, हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं, क्या वो पिक होगा या वो पिक नहीं होगा. तो चलो देखते हैं. अब पहला एलिमेंट हमारे पास 3 से है, 3 से चॉइस लेना शुरू करते हैं. यार पहली चॉइस के बाद या तो हम लोग 3 को पिक कर रहे होंगे या 3 को पिक नहीं कर रहे होंगे. अगर हम लोग 3 को पिक कर रहे होंगे इसका मतलब 3 हमारा सबसेट में इंक्लूड हो रहा है, और 3 को पिक नहीं कर रहे होंगे इसका मतलब 3 सबसेट में इंक्लूड नहीं हो रहा है. एक बार आपने 3 के लिए चॉइस ले ली तो यहां पे टेक्निकली सबसेट ऐसा कुछ बनना स्टार्ट हो गया 3 जैसा, यहां पे अभी भी नल है, ठीक है, ओके. अब सेकेंड स्टेप में यहां पे दूसरे एलिमेंट के लिए क्या चॉइस होगी, कि यार आप 2 के लिए भी तो सेम कर सकते हो ना. मान लो पहली चॉइस में आपने 3 को पिक कर लिया, अब उसके बाद 2 के लिए दो कॉल्स हैं कि या तो आप 2 को पिक करोगे या 2 को पिक नहीं करोगे, राइट. अगर आपने 3 को पिक किया है उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप 2 को पिक करोगे या 2 को पिक नहीं करोगे. साथ ही साथ अगर आपने 3 को पिक नहीं करा था तो भी आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप 2 को पिक करोगे या 2 को पिक नहीं करोगे. कैन आई से दैट, इस तरीके से हम लोग चॉइसेस बिल्डअप कर सकते हैं. तो मेरा एजेंडा पता है क्या है, मेरा एजेंडा है कि मैं एक फंक्शन लिखूं, उस फंक्शन में क्या हो कि यार मुझे किसी तरह सारे सबसेट्स का सम मिल जाए, ये मेरा एजेंडा है. अब तुम एक बात खुद से सोचो, मान लो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3, 2, 5, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मुझे इस इन एलिमेंट्स के सारे सबसेट का सम चाहिए. अब देखो मुझे तो नहीं पता कैसे करना है, और चॉइसेस कुछ ऐसी दिख रही हैं कि हर एलिमेंट में आप दो चॉइसेस रख सकते हो, ठीक है.
अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको 3 to 5 के सारे सबसेट चाहिए तो आप किसी भी तरीके से 2-5 के सारे सबसेट्स का सम ले आओ, या अभी के लिए सम की कहानी को ही भूल जाओ, अब सिर्फ 2-5 के सारे सबसेट ले आओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2-5 के सारे सबसेट क्या हो गए। एक सबसेट हो गया 2, एक सबसेट हो गया 5, एक सबसेट हो गया 2-5, एक सबसेट हो गया एम्प्टी सेट। अगर आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट होते तो आपके पास ये चॉइसेस होती, कैन आई से दैट, कि आपके पास 2 और 5 के ये सारे सबसेट आ जाते। तो आपके पास मान लो 2 और 5 के सारे सबसेट आ गए, इन सारे सबसेट्स में आप ना हर एलिमेंट पे 2 चॉइसेस लगा सकते हो। क्या 2 चॉइसेस लगा सकते हो? आप हर एलिमेंट के साथ या तो 3 को पिक कर सकते हो या 3 को पिक नहीं कर सकते हो। अगर मान लो इन सारे एलिमेंट्स के साथ मैं 3 अटैच कर दूं, तो देखो यहां पे पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, तो मैंने 3,2 कर दिया, ये एक सबसेट बन गया। अगला एलिमेंट क्या है, 5, तो मैंने 3,5 कर दिया, ये एक और सबसेट बन गया। अगले एलिमेंट्स क्या है, 2,5, ये एक अपने में सबसेट है 2,5, इस पे मैंने 3 अटैच करा तो 3,2,5। और एक क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में मैंने 3 को अटैच करा तो वो सिर्फ 3 बन गया। कहने से ये वो सारे सबसेट हैं जिनमें 3 को इंक्लूड करा जाएगा, राइट? और एक चॉइस क्या है कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ये जो सबसेट थे ये एज इट इज रहेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ 2, सिर्फ 5, 2-5 और एम्प्टी सेट। और तुम ध्यान से देखो, क्या यही हमारे सारे पॉसिबल 2^3 सबसेट्स नहीं है? तो इंट्यूशन कहां से बन रही है? इंट्यूशन यहां से बन रही है कि 3 to 5 के सारे सबसेट चाहिए। इवेंचुअली तो क्वेश्चन में मुझे सबसेट का ना सम चाहिए, तो सबसेट के सम के लिए मैं चाह रहा हूं कि आप पहले सबसेट निकालना सीख लो। 3 to 5 के सारे सबसेट चाहिए, मैं कहता हूं कि यार आप ना किसी भी तरह 2-5 के सारे सबसेट ले आओ। देखो अगर मैं सिर्फ 2-5 के सारे सबसेट ले आऊं तो उन सारे सबसेट्स में मुझे एक बारी 3 को अटैच करना होगा, एक बारी 3 को अटैच नहीं करना होगा। इसे इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इसे दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है कि यार आपको 3 to 5 के सारे सबसेट बनाने हैं तो आप एक सबसेट्स का ऐसा ग्रुप बनाओगे जिसमें 3 को पिक करा गया है, एक सबसेट्स का ऐसा ग्रुप बनाओगे जिसमें 3 को पिक नहीं करा गया है। अब 3 के लिए तो सारी चॉइसेस हो गई हैं, फिर आप 2 के लिए भी वैसी ही चॉइसेस करोगे कि आप उस ग्रुप में जहां पे 3 को पिक किया गया है वहां पे भी 2 ग्रुप्स बनाओगे, जहां पे एक ग्रुप में 2 को पिक किया जाएगा, एक ग्रुप में 2 को पिक नहीं किया जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो 3,2 का होगा, कि 3 और 2 दोनों है, ये वाला ग्रुप खाली 3 का होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है। ऐसे तो सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं यहां पे लगा रहा हूं, कि यार मेरे पास 2,5 के सारे सबसेट्स हैं। 2,5 के सबसेट कैसे आए होंगे? 2,5 के सबसेट भी इसी तरीके से आए होंगे क्योंकि 2 के पास भी 2 चॉइसेस हैं, इंक्लूड होना या ना होना, जैसे यहां पे 2 के पास 2 चॉइसेस थी। कैन आई से दैट? तो अब देखो, अब तुमने अज्यूम करा कि 2,5 के सारे सबसेट कोई तुम्हें लाकर दे देगा तो तुम उस पर एक बारी 3 अटैच कर दोगे, एक बारी 3 अटैच नहीं करोगे। तो अब सोचने की बात है यार, ये 2,5 के सबसेट भी तो किसी तरीके से आ ही रहे होंगे ना, 2,5 के सबसेट कैसे आ सकते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। यार अगर मुझे कोई सिर्फ 5 के सबसेट ला के दे दे, 5 के सबसेट क्या होंगे? 5 के सबसेट होंगे सिर्फ 5 और 5। अगर एक ही एलिमेंट है अरे में, तो 2^1 इज व्हाट, 2, तो 2 ही एलिमेंट बनेंगे सबसेट के। इन दोनों एलिमेंट्स में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, एक चॉइस क्या है कि मैं 2 को इंक्लूड करूं, एक चॉइस है कि 2 को इंक्लूड ना करूं। अगर मैंने इन सारे एलिमेंट्स में 2 को इंक्लूड करा, सो 2,5 एक यहां पे आ गया और 2,5 मतलब सिर्फ 2, तो देखो ये वाला सबसेट और ये वाला सबसेट, कैन आई से दिस 2 एंड 2,5, ये दोनों सबसेट मेरे 2 को इंक्लूड करने से बने हैं, और यहां पे जो 5 और 5 है ये 2 को इंक्लूड ना करने की वजह से बने हैं। तो इस तरीके से आप 2,5 के सारे सबसेट लेकर आओगे। तो 2,5 के सारे सबसेट लाने के लिए आपने 5 के सारे सबसेट मंगाए। अब 5 के सारे सबसेट कैसे आएंगे? आपको पता है कि अगर मान लो 5 के सबसेट लाने हैं तो 5 का सबसेट पता है कैसे आएगा? अगर आपके पास एम्प्टी सेट होता, सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट के सबसेट्स होते हैं, मतलब 2^ एक भी एलिमेंट नहीं है, एन की वैल्यू 0 है। जब आपके पास सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, एन की वैल्यू 0 है, 2^0 क्या होता है, 1। इसका मतलब अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो भी एक सबसेट बनता है 5 सेट। तो मैं कहता हूं यार आप एम्प्टी सेट के सारे सबसेट ले आओ, एम्प्टी सेट का तो एक ही सबसेट है 5, उन सारे सबसेट्स में एक बारी हम लोग 5 को अटैच करके भेज देंगे, एक बारी 5 को बिना अटैच करके भेज देंगे। तो अब देखो आपके पास 5 सेट था, आपने 5 को अटैच कर लिया तो 5 बन गया, 5 को अटैच नहीं करो तो 5 का 5 रहा, तो यहां से आपको 5 के सारे सबसेट मिल गए।
अब इन फाइव के सारे सबसेट्स के साथ आप या तो टू को इंक्लूड कर सकते हो या टू को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। अगर आपने टू को इंक्लूड करा तो 2.5 और 2, ये दोनों सबसेट बनेंगे टू को इंक्लूड करने के बाद, और सिर्फ 5 और सिर्फ 5 ये बनेंगे 2 को बिना इंक्लूड करे। अब आपके पास आ गए 2.5 के सारे सबसेट। अब इन सारे सबसेट्स में एक बार आप 3 को अटैच कर सकते हो, एक बार 3 को अटैच नहीं कर सकते हो। अगर आपने 3 को अटैच करा, सो 3.2, 3.5, 3.2.5 और सिर्फ 3, ये वो सारे सबसेट हैं जिसमें 3 का इंक्लूजन होगा, और बचे हुए 2.5, 2.5, 5 ये वो सारे सबसेट हैं जिसमें 3 का इंक्लूजन नहीं होगा। तो देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे ही चल रहे हैं कि एक एलिमेंट एक बारी पिक करा जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और दूसरे चांस में वो नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ना ग्रुपिंग बना पाएंगे। यहां पे आप देखोगे तो 2 और 5 की ऑल पॉसिबल ग्रुपिंग्स है, बट एक भी जगह 3 नहीं आ रहा है। यही मैं समझाना चाहता हूं कि मान लो आपके पास 3.2.5 है, ये आपके पास एरे के एलिमेंट्स है, है ना? ओके, मैं कहता हूं कि यार हर एलिमेंट पे दो चॉइसेस हैं, तो एक वैल्यू रख लो आई, आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, ये हमारे करंट इंडेक्स पे आइटरेट करने के हेल्प करेगा, और एक वेरिएबल रख लेता हूं मैं सम, इनिशियली सम की वैल्यू होगी 0, ठीक है? सम की भी वैल्यू ये हो गया सम, ये हो गया आईडीएक्स, सम की वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया गया, तो सम तो 0 ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 मतलब 3 पे है, तो 3 पे दो चॉइसेस हैं, या तो 3 को इंक्लूड करा जा सकता है या 3 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अगर मान लो आपने 3 को इंक्लूड कर लिया तो सम क्या होगा? सम हो जाएगा 0+3, 3, और क्योंकि अब 3 के लिए तो ये वाली चॉइस हो गई है, दो ही चॉइस थी जिसमें से एक चॉइस कर ली है, तो बचे हुए एलिमेंट्स के लिए चॉइस करनी है ना, तो आईडीएक्स की वैल्यू हो जाएगी IDX+1। तो यहां पे 3 को पिक करा गया, दूसरी चॉइस में 3 को पिक नहीं करा जाएगा। सो 3.2.5 इंडेक्स 1 सम 0, कैन आई से दैट? देखो यहां पे सम 3 आ गया, यहां पे सम 0 रहा, क्यों? क्योंकि अगर 3 को आपने सबसेट में इंक्लूड कर लिया है तो वो सम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, अगर नहीं किया है तो सम में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जब आप एक्सक्लूड कर रहे हो तब सम को चेंज नहीं करोगे। ओके, अब हम आ गए फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है? तो टेक्निकली इस फंक्शन कॉल के बाद पता है क्या हुआ? इस फंक्शन कॉल के बाद यह हुआ कि यार आप 2.5 के सारे सबसेट के सम ला दो, हम उन सारे सम्स में एक बारी 3 ऐड कर देंगे, एक बारी 3 ऐड नहीं करेंगे। आसान भाषा में आप 2.5 के सारे सबसेट ले आओ, एक बारी हम 3 अटैच करेंगे, एक बारी 3 अटैच नहीं करेंगे। यहां पे अटैचमेंट की जगह सम कर रहे हैं क्योंकि सम से ही काम चाहिए हमें। चलो देखते हैं अब 2.5 के सारे सबसेट कैसे आएंगे। अगेन दो चॉइसेस, 2 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, और यहां पे भी 2 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, है ना? अब मान लो 2 इंक्लूड कर लिया, अगर 2 को इंक्लूड कर लिया तो सम में ऐड हो जाएगा वो 3.2.5, 3+2=5। और अब फर्स्ट इंडेक्स के लिए तो काम हो चुका है, मतलब 2 के लिए काम हो चुका है, 3 के लिए भी काम हो चुका है, 5 पे जाना है, तो 1+1=2। सेम थिंग हियर, 3.25=2। और यहां पे सम में 3 पड़ा था, अब 2 को इंक्लूड नहीं किया है, मतलब कोई नया एलिमेंट नहीं आया है, तो 3 एज इट इज रहेगा सम, ठीक है? चलो ओके, 3.2.5 इंडेक्स 1 का काम हो गया, क्योंकि एक बारी 2 को इंक्लूड करना, एक बारी नहीं करना, तो दोनों कॉल्स हमने कर दिए, तो इंडेक्स 1 अब 2 पे चला जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। और यहां पे सम ऑलरेडी क्या था, यहां पे सम था ऑलरेडी 0, 0 में 2 ऐड करा तो 2 बन गया, और दूसरी कॉल में 3.25 इंडेक्स 2 पे, अब पहले से सम 0 था, आपने 2 को भी इंक्लूड नहीं करा, तो सम 0 का 0 ही रह गया, एज सिंपल एज दैट। तो देखो यहां पे हम लोग सम फॉर्म कर पा रहे हैं, राइट? ओके, फाइनल कॉल। अब आप सेकेंड एलिमेंट पे हो, सेकेंड एलिमेंट के पास भी दो चॉइसेस हैं, या तो वो सेकेंड एलिमेंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, राइट? तो मान लो अगर मैंने इस सबसेट में, ये सबसेट अभी तक क्या बना है, 3.2 का सबसेट बना है ना, तभी सम बन रहा है 5, तो इस वाले सबसेट में अगर मैंने 5 को भी इंक्लूड कर लिया, तो पुराने एलिमेंट से सम ऑलरेडी 5 था, 5+5=10 हो जाएगा, तो मैं एरे पूरी नहीं बना रहा, इंडेक्स 3 पे पहुंच जाएंगे और 5+5=10 हो जाएगा, राइट? देखो इंडेक्स यहां पे 2 पे था, अब इंडेक्स प्लस 1 पे जाएंगे, इंडेक्स प्लस 1 पे तो अब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये ARR.length के बराबर हो गया। सिमिलर चीज यहां पे,
पुराना सबसेट 3,2 का है तभी सम 5 बन रहा है। अब नए सबसेट के लिए मैंने 2 को इंक्लूड नहीं करा, इंक्लूड नहीं करा तो सम इफेक्ट नहीं होगा। राइट, सेम चीज यहां पे कि यार अभी तक के सबसेट क्या थे, सिर्फ 3। देखो सिर्फ 3 को पिक किया है, 2 को पिक नहीं करा है, तो अभी तक सबसेट में सिर्फ 3 है। राइट, ओके। अब 5 के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर आपका 5 इंक्लूड हो गया तो पुराना सम था 3, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। राइट, ये हो जाएगा 8 और 2 प्लस 1 3 पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज के लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो जब इंडेक्स की वैल्यू arr डॉट लेंथ के ऊपर होती है तो फिर आगे आपको इस सबसेट का जनरेशन नहीं कर सकते, और ये जो सम वेरिएबल है इसमें आपका सम पड़ा है। कुछ इस तरीके से हमें फॉरवर्ड करने की कोशिश करनी है। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करा है। यहां पे मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं, पहले मैं उसका ऐसे रिकर्जन का ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने फंक्शन नहीं लिखा है, तो चलो फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि यार मुझे एक फंक्शन चाहिए एफ। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा सम ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, ओके। इसका एक पैरामीटर होगा हमारा एरे, जिसके एलिमेंट्स का सबसेट हमें कैलकुलेट करना है, एरे की लेंथ, इंडेक्स, राइट, कि करंट कौन से एलिमेंट पे है, सम कि टोटल सम क्या हुआ। और साथ ही साथ या तो आप एक और एरे बना के चल सकते हो, राइट, 2^n लेंथ के आप एक एरे बना के चल सकते हो, या फिर आप एक वेक्टर बना के चल सकते हो, या फिर आप कुछ भी मत रखो, एक ग्लोबल वेक्टर बना लो या ग्लोबल एरे बना लो, या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दो, एनीथिंग शुड वर्क। मैं यहां पे एक रिजल्ट वेक्टर बना के चलूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करता है, सम ऑफ ऑल सबसेट्स को प्रिंट करता है या स्टोर करता है इस रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है, तो अब सबसेट्स निकाल कैसे सकते हैं। यार आप जिस भी आईडीएक्स इंडेक्स पे हो, उस आईडीएक्स इंडेक्स पे पढ़े हुए एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईडीएक्स इंडेक्स था ये, तो 2 के पास देखो दो चॉइसेस हैं, या तो इंक्लूड होना है या नहीं होना है, और इंक्लूड होने के बाद या इंक्लूड ना होने के बाद क्या बनाना है वो पुरानी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पे पुरानी चॉइस थी 3 इंक्लूसिव है, तो अगर 2 को इंक्लूड कर दिया तो बन जाएगा यहां पे 5 सम, 2 को इंक्लूड नहीं करा तो 3 का 3 रह जाएगा। बट यहां पे जब आप 2 को इंक्लूड करोगे, क्योंकि आपने 3 को इंक्लूड नहीं करा था, तो यहां पे सम बनेगा 2। राइट, सो पुरानी क्या चॉइसेस ली गई है उसके बेसिस पे नई चॉइसेस हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे ये फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना है। अब हमें तो नहीं पता कि ये कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात समझाई है कि यार आपको 3 to 5 के सारे सबसेट लाने हैं, टेक्निकली आपको सारे सबसेट का सम लाना है। तो आपको तो नहीं पता कि कैसे ला सकते हैं, आप एक काम करो, आप 2 to 5 के सारे सबसेट ले आओ, या 2 to 5 के सारे सबसेट का सम ले आओ, उन सारे सबसेट के सम में एक बारी 3 ऐड कर दूंगा, एक बारी 3 ऐड नहीं करूंगा, दैट्स इट। राइट, तो देखो मैं कहता हूं दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ arr n idx प्लस 1। क्यों, क्योंकि अब आपने idx वाले एलिमेंट के लिए तो चॉइसेस ले लिए हैं, पिक नॉट पिक की, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है। अब अगर पिक किया है तो सम में ऐड हो जाएगा arr एट idx, और यहां पे रिजल्ट। राइट, साथ ही साथ दूसरी चॉइस भी है। अब दूसरी चॉइस कुछ भी हो, आपको नेक्स्ट एलिमेंट पे तो जाना ही है idx प्लस 1, बट दूसरी चॉइस क्या थी कि सम वेरिएबल अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया है, और यहां पे रिजल्ट एज इट इज। राइट, तो ये हमारी कुछ रेकरेंस बनती हुई हमें दिख रही है। अगर ये फंक्शन हमें सारे के सारे सबसेट्स ला सकता है, कहां से कहां तक, IDX से लेकर n माइनस वन इंडेक्स तक, इस रेंज के सारे सबसेट ये मेरे को ले आकर दे देता है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, अब मुझे आगे IDX प्लस 1 से सारे सबसेट ले आओ, उनके सम्स में मैं एक बारी अपना खुद का एलिमेंट ऐड कर दूंगा, एक बारी ऐड नहीं करूंगा, एज सिंपल एज दैट। राइट, और तुम यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे ये एरे है, ये तुम्हारा इंडेक्स है, तुम्हारा सम है। राइट, तो हर बारी तुम 2 कॉल्स ले रहे हो, देखो जो भी आपका IDX वाला एलिमेंट है उसको एक बारी सम में ऐड करते हो arr एट IDX, तो देखो IDX यहां पे क्या था, 0, इस एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया। राइट, दूसरा क्या है, IDX पे अगेन 3 पड़ा है, तो IDX प्लस 1 पे चले जाएंगे, बट सम को भी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली कॉल में 3 को अवॉइड करा गया है, तो सम एज इट इज रहेगा। राइट, सेम चीज यहां पे 2 को इंक्लूड करा गया है तो 2 को सम में भी ऐड करा गया, 2 को इंक्लूड नहीं करा गया, यहां पे तुम देखोगे सम में भी ऐड नहीं करा गया। राइट, एज सिंपल एज दैट।
सो एक फाइनल रिविजन इस रेफरेंस के लिए कि यार अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि IDX इंडेक्स से लेकर N-1th इंडेक्स तक कितने सबसेट्स हैं, उनको सम प्रिंट करना है ना, तो मैं कहूंगा कि यार आप जाओ और उन सारे सबसेट्स का सम ले आओ जो IDX प्लस वन या उसके बाद से हैं। मैं उन सारे सबसेट्स के सम में एक बारी ARR एट IDX ऐड कर दूंगा, एक बारी नहीं करूंगा। बेस केस क्या होगा, अगर इंडेक्स एरे की लेंथ पे पहुंच गया तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? तब तो किसी एलिमेंट की चॉइस नहीं, क्योंकि एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सम वेरिएबल है, इस सम वेरिएबल में ही हमारा फाइनल आंसर पड़ा होगा। राइट? तो इसे हम लोग रिजल्ट में पुश बैक कर देंगे, राइट? इसे हम लोग रिजल्ट में ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे कि यार अब हमें एक सम मिल गया है। देखो जैसे आपका बेस केस हिट होता है, यहां पे देखो आईडीएक्स की वैल्यू एन के बराबर होगी, जैसे बेस केस हिट होता है सम वेरिएबल में एक पॉसिबल सम एग्जिस्ट करता है, तो अगर एक पॉसिबल सम एग्जिस्ट करता है उसे ऐड करके रिटर्न कर जाएंगे, राइट? तो अगर एलिमेंट बचा ही नहीं है तो सम के लिए और कोई चॉइसेस है नहीं, तो जो भी फाइनल सम आपका बना हुआ है उसको हम लोग सीधा रिजल्ट में ऐड कर देंगे। सो आई नो कि काफी डिफरेंट सी प्रॉब्लम है, कुछ नए तरीके से हम लोग इसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हर एलिमेंट पे दो चॉइसेस हैं, पिक नॉट पिक, काफी सारी चीजें, राइट? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम का कोडिंग सॉल्यूशन लिखते हैं। कोडिंग सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें बस इस रेफरेंस की जरूरत है, एज इट इज इस रेफरेंस को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ज्यादा फाइट हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा ड्राई रन रखेंगे जिसमें अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि क्या अप्रोच रही, और उस ड्राई रन के बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि अच्छा पिक नॉट पिक की स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो चलो यार अपने सबसेट सम की प्रॉब्लम को कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूं, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न जीरो, ओके कूल। अब यहां पे मैं एक फंक्शन लिखूंगा void f, ठीक है? void फंक्शन लिख रहा हूं, क्यों? हम इसमें अपनी एरे पास करेंगे जिसके एलिमेंट्स के हमें सबसेट बनाने हैं, एक वैल्यू n पास करेंगे जो कि लेंथ ऑफ द एरे को बताएगा, एक वेक्टर पास करेंगे, तो वेक्टर पास करने के लिए वेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर, राइट? वेक्टर का टाइप रखेंगे इंट एंड रिजल्ट, इसी में हम लोग रिजल्ट स्टोर करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल होगा आई जिसका यूज करके हम लोग ओरिजिनल एरे पे इटरेट कर रहे होंगे, और एक वेरिएबल होगा सम, ठीक है? चलो सबसे पहले बेस केस। यार एक बात बताओ, अगर आई की वैल्यू एन के बराबर हो गई इसका मतलब आपने सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए, अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो पिक या नॉट पिक की स्ट्रैटेजी कहां लगाओगे? तो इसका मतलब रिजल्ट में आपके पास अब यहां पे जो भी सम बन गया है उसको आप रिजल्ट में पुश बैक कर दोगे और रिटर्न कर जाओगे, ठीक है? यहां पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यूज को स्टोर करना है, तो या तो इस रिजल्ट वेर इस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको ग्लोबल बना के रख सकते थे, या फिर मैंने बाय रेफरेंस इसको पास कर दिया है, तो अलग से कुछ और वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वॉइड है रिटर्न टाइप। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, दो कॉल लगाएंगे हर एलिमेंट के लिए। देखो आई प्लस वन पे जाएंगे, अब करंट एलिमेंट पे आपने पिक करा है नॉट पिक करा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना तो नेक्स्ट एलिमेंट पे है ही, तो आई प्लस वन पे गए। अगर करंट एलिमेंट को पिक किया तो सम में करंट एलिमेंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और अगर करंट एलिमेंट को पिक नहीं किया तो भी नेक्स्ट एलिमेंट पे तो जाना ही है बट सम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये दो फंक्शन कॉल्स और हमारा काम बन जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इंट ARR, ठीक है? और एक टेस्ट केस ले लेते हैं, 245, लेंथ ऑफ द एरे क्या है 3 है, आई विल कॉल फॉर f ऑफ ARR कॉमा n, i की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, सम की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, और एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, इस वेक्टर को हम लोग बाय रेफरेंस पास कर देंगे। एट लास्ट इस रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर हम लोग आइटरेट करके अपने आंसर्स को प्रिंट कर लेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, सी आउट रिजल्ट एट आई,
स्मॉल आर। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। रन करते हैं फाइल को। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 11, 6 आ रहा है हमारे पास सही है, एक 7 आ रहा है हमारे पास सही है, एक हमारे पास आ रहा है 2, 9 इज करेक्ट, 4, 5 एंड 0। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 4, 4, 8, टोटल 8 सबसेट्स का आंसर आ रहा है, टोटल 8 सबसेट्स का सम आ रहा है जो कि है एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो इस कोडिंग इंप्लीमेंटेशन से भी आपको ये चीज रियलाइज हो रही होगी कि आप ith एलिमेंट पे दो चॉइसेस लेते हो। एक चॉइस है पिक द ith एलिमेंट, एक चॉइस है डू नॉट पिक द ith एलिमेंट। क्योंकि अगर आप सारी चॉइसेस इवैल्यूएट करो, दैट्स लाइक द ब्रूट फोर्स थिंग, आप सारी के सारी चॉइसेस को इवैल्यूएट कर लो, आप फिगर आउट कर लो कि अच्छा हर पॉसिबल तरीके से क्या चीज बन सकती है, एंड देन ओनली यू ट्राई टू फिगर आउट द सम। अब टेक्निकली कल को आपको कोई सम की जगह एक्चुअल सबसेट्स ही प्रिंट करने के लिए कह दे, तो यहां पे आप सम की जगह एक दूसरा वेक्टर पास कर दो, या फिर आप एक स्ट्रिंग पास कर दो, जिस एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हो स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर दो, जब एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो स्ट्रिंग एज इट इज भेज दो। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तुम लोग कर सकते हो, राइट। अब हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, अब हम इसको करेंगे ड्राई रन, बाय हैंड ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट आएगा कि अच्छा क्या एक्चुअली चल रहा है, किस तरीके से सबसेट बन रहे हैं, काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू डू द ड्राई रन, थोड़े छोटे टेस्ट केस पे, लाइक 2.4 के टेस्ट केस पे ड्राई रन करके देख लेंगे, राइट। दो लेंथ के एरे पे हम लोग ड्राई रन करके देख लेंगे, एंड देन वी विल फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द ड्राई रन। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना डीबगिंग सेशन, राइट। सो यहां पे मैं एक कॉल स्टैक ड्रॉ कर लूंगा, है ना, और मेन फंक्शन हमारा पहला फंक्शन है जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे सब कुछ। मेन फंक्शन में हम लोग एक एरे बना रहे हैं, राइट, एक एरे बना रहे हैं 2.4, एन की वैल्यू है 2, राइट। एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हैं, तो मैं ये रिजल्टेंट वेक्टर भी यहां रख रहा हूं अभी के लिए, और लाइन नंबर 20 पे आप एक फंक्शन कॉल करते हो एफ, ठीक है। एफ में आप कॉल करते हो ए आर आर, एन, एन की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 0, सम की वैल्यू भी है 0, और तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तुम चेक करते हो इस फंक्शन कॉल में आ गए हो, अब आप इस फंक्शन कॉल में आ गए, अब चेक करते हो क्या आई की वैल्यू एन के बराबर है। आई क्या है यहां पे, 0 है, एन क्या है, 2 है, क्या 0 बराबर है 2 के, इसका मतलब नहीं, फॉल्स है। तो ये पूरा का पूरा इफ चेक स्किप हो जाएगा। आप लाइन नंबर 11 पे आ जाओगे, लाइन नंबर 11 पे आप एक फंक्शन कॉल करते हो, उस फंक्शन कॉल में आप कहते हो कि यार देखो, उस फंक्शन कॉल में आप कहते हो कि आप ith एलिमेंट को इंक्लूड करने वाले हो, तभी आपने उसको अपने सम में ऐड कर दिया है। तो आप एक फंक्शन कॉल करोगे जहां पे arr होगा, n होगा, i की जगह i प्लस वन है, तो i 0 था तो 0 प्लस वन 1 हो गया, राइट। मैं ऐसे लिख देता हूं, i की वैल्यू 1 हो गई है, सम की वैल्यू क्या हो गई है, सम में आपने arr प्लस i ऐड किया था, i क्या है 0, arr एट 0 है 2, सो 2 प्लस 0 इज 2, तो सम हो गया है 2, और तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, अभी रिजल्टेंट वेक्टर भी एम्प्टी है, ओके। क्या 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, जी नहीं, तो आप दोबारा लाइन नंबर 11 पे आओगे, लाइन नंबर 11 पे आपने एक और फंक्शन कॉल करा है arr कॉमा n कॉमा i इज इक्वल्स टू, आपने i प्लस 1 के लिए कॉल किया, i की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे 2 थी, सो 2 प्लस arr एट i, व्हाट इज arr एट 1, arr एट 1 इज 4, सो 4 प्लस 2 इज 6, तो सम की वैल्यू हो गई 6, ओके। यहां पे आ गए, इज i इक्वल्स टू n, i की वैल्यू है 2, n की वैल्यू भी है 2, सो क्या 2 बराबर है 2 के, यस। तो हम क्या करेंगे, ये जो सम है इसको रिजल्ट में पुश कर देंगे, तो यहां पे आ गया हमारे पास 6, राइट, और रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, इसका मतलब ये स्टैक फ्रेम हट गया है, ये स्टैक फ्रेम हट गया है। हम लोग वापस आए स्टैक फ्रेम पे, और टेक्निकली आपने एक सबसेट का सम बना लिया जिसमें आपने 2 और 4 दोनों को इंक्लूड किया, देखो आपने 2 और 4 दोनों को इंक्लूड किया, तब जाके आपके पास 6 बना ना, ठीक है। चलो अब आप वापस आए इस फंक्शन कॉल पे, इस फंक्शन कॉल पे आप इसको लाइन नंबर 11 पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर 11 पे आप सब कुछ कर चुके हो, आप नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 12 पे जाओगे, लाइन नंबर 12 पे दोबारा एक फंक्शन कॉल है, दोबारा इस फंक्शन कॉल में आपके पास एरे है, एन है, आई की वैल्यू आई प्लस 1, तो आई प्लस 1 हो गया 2, तो आई की वैल्यू हो गई 2, सम एज इट इज, तो जो सम यहां था वही एज इट इज हम यहां भेज देंगे सम,
ठीक है, और ये भी बेस केस हो गया, आई की वैल्यू एन के बराबर है, तो रिजल्ट डॉट पुशबैक सम, तो सम की वैल्यू क्या थी, टू ही है, तो यहां पे हम लोग टू पुशबैक कर देंगे, तो 6.2 आ जाएगा। और ये टू क्यों आ रहा है, जब आपने सिर्फ टू एज अ सबसेट लिया, एक बारी टू और फोर दोनों को ले लिया, इस बारी फोर को पिक नहीं किया, टू को पिक कर रखा है, तो टू एड हो गया, एंड दैट्स इट, रिटर्न कर जाएंगे, वेलकम बैक टू दिस फंक्शन कॉल। और ये फंक्शन कॉल लाइन नंबर 12 पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर 12 पे सब हो चुका है, लाइन नंबर 12 के बाद कुछ भी नहीं बचा है, तो हम इसको रिटर्न कर जाएंगे। ओके, नाइस। अब यहां पे हम लोग फंक्शन एफ पे वापस आए, जिसे हम लाइन नंबर 11 पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर 11 पे जिस फंक्शन एफ को छोड़ के गए थे, उसने अपने सारा काम कर दिया है, वहां पे हमने 2 को इंक्लूड किया था, इंक्लूड 2 को इंक्लूड करके एक बारी 4 एक्सक्लूडेड और 4 इंक्लूडेड हो चुका है। अब लाइन नंबर 12 पे जाएंगे हम लोग, लाइन नंबर 12 पे जाएंगे, लाइन नंबर 12 पे क्या है, इस बारी हम लोग एक्सक्लूड करने वाले हैं 2 को। एक्सक्लूड कैसे करेंगे हम 2 को, तो देखो आप यहां से एक फंक्शन कॉल करोगे एफ ऑफ ए आर आर एज इट इज एन एज इट इज आई की वैल्यू आई प्लस वन, तो यहां पे 0 है तो 0 प्लस 1 हो गई 1, और सम एज इट इज, यहां पे सम 0 था, सम 0 का 0 ही पास हो जाएगा, अगर सम 0 का 0 ही पास हो गया, इसका मतलब आपने 2 को इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। चलो अब आप इस फंक्शन कॉल पे आए हो, यहां पे क्या i की वैल्यू n के बराबर है, जी नहीं, आप लाइन नंबर 11 पे जाओगे, एक और फंक्शन कॉल करोगे ए आर आर एन, i की वैल्यू i प्लस 1, सो प्रीवियस कॉल में i की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और सम में देखो ए आर आर प्लस i ऐड कर रहे हो, लाइक i की वैल्यू 1 है और ए आर आर एट 1 है 4, सो आप सम में 4 ऐड कर रहे हो, तो 0 प्लस 4 इज 4, तो सम में आ गया 4, ठीक है। ओके, अब यहां पे i की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या 2 की वैल्यू n के बराबर है, जी हाँ, तो आप 4 को रिजल्ट में ऐड कर दोगे, और ये उस सबसेट का सम है जिसमें सिर्फ 4 इंक्लूड किया गया, नथिंग एल्स, और रिटर्न कर जाएंगे। जब आप रिटर्न कर गए तो आप यहां पे वापस आओगे लाइन नंबर 11 के बाद, अब लाइन नंबर 12 पे जाएंगे, लाइन नंबर 12 का मतलब एक और फंक्शन कॉल ए आर आर एन, आई की वैल्यू आई प्लस 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, और सम में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सो सम एज इट इज, सम इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे भी बेस केस हिट हो गया है, 2 की वैल्यू n के बराबर है, इसका मतलब रिजल्ट में पुशबैक कर देंगे 0, और ये 0 क्यों आ रहा है, हमारे एम्प्टी सेट कि ना ही 2 चूज किया गया और अब 4 भी चूज नहीं किया गया, तो कोई एलिमेंट चूज नहीं है, सबने नॉट पिक की स्ट्रैटेजी अपनाई और आंसर आ गया 0। इसे हम रिटर्न कर जाएंगे वापस आए इस फंक्शन कॉल पे, लाइन नंबर 12 कंप्लीट हो चुकी है, लाइन नंबर 12 के बाद कुछ नहीं है, इसे हम रिटर्न कर जाएंगे। यहां पे आए वापस, लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट हो चुकी है, लाइन नंबर 12 के बाद कुछ नहीं, और ये भी खत्म हो जाएगा फाइनली, और रिजल्ट तुम्हारे एरे में 6240 है। अगर तुम सारे सबसेट लिखना चाहो तो 2, 4 इसका समय 6, सिर्फ 2 इसका समय 2, सिर्फ 4 इसका समय 4, और एक है तुम्हारा 5 दैट इज नल सेट, इसका समय 0। और इस तरीके से हम लोग ये स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं पिक नॉट पिक की। तो देखो हर बारी हम क्या कर रहे हैं, जो भी गिवन एरे 1, 2, 3 और जो भी वैल्यू आई है और एक वैल्यू है सम, हर बारी हमारे पास 2 कॉल है कि यार जो भी आई थे एलिमेंट है उसको पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बारी हम लोगों ने पिक कर लिया तो हम लोग आई प्लस 1 पे चले जाएंगे, और पिक करा है तो सम में ए आर आर एट आई एड भी कर देना चाहिए, और मान लो पिक नहीं करा है तो भी जाना तो है ही नेक्स्ट एलिमेंट पे, क्योंकि अब 1 के लिए मान लो कॉल ले ली है तो अब 2 के लिए लेनी है, तो आई प्लस 1 पे आएंगे, बट सम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ith एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करा है। और इसी तरीके से हम लोग रिकर्जन बिल्ड कर रहे हैं कि यार हमें ये पता लग जाए कि i से लेकर n तक के जो भी सबसेट्स हैं, देखो जो हमने रेकरेंस लिखी थी, देखो ये क्या बता देता है कि हमारे सबसेट प्रिंट करने में, सबसेट के सम को प्रिंट करने में हेल्प करेगा, राइट, कि idx से लेकर n तक की जो एरे उसके सबसेट के सम क्या है। तो अब idx वाले एलिमेंट पे 2 चॉइसेस हैं, या तो उस एलिमेंट को पिक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर idx वाले एलिमेंट को मैंने पिक कर लिया तो मैं उसे सम में ऐड करके भेज दूंगा, वरना सम में बिना ऐड करे भेजूंगा। जब idx पूरी एरे को एग्जॉस्ट कर चुका है तो सम वेरिएबल में हमारा एटलीस्ट एक सबसेट का आंसर पड़ा है, उसे हम रिजल्ट में पुशबैक कर देंगे, एंड दैट्स इट। सो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार अपने हाथों से एक बार इसे ड्राई रन करके देखो, कोड खुद से लिख के देखो, वीएस कोड में भी एक बार, इस बार मैंने वीएस कोड में ड्राई रन नहीं किया है, आप लोग एक बार वीएस कोड में ड्राई रन करके जरूर देखो कि कैसे कॉल्स रिकर्जन की कॉल स्टैक की डेप्थ में जा रही हैं और वापस आ रही हैं, इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आपको आने लगेगा। सो आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम में काफी मजा आया होगा, एंड अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, एंड लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। तो चलो यार अब हम लोग अपनी आज की फाइनल प्रॉब्लम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। पहली दो प्रॉब्लम्स में आई होप सब लोगों को काफी मजा आया होगा और नया कुछ सीखने को भी मिला होगा,
राइट सो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या है और क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब थोड़ा नॉर्मल एरेज और नंबर से थोड़ा सा हटकर अब टू डिमेंशनल एरेज के ऊपर डिस्कशन करने वाली है, काफी मजा आने वाला है. लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज. तो प्रॉब्लम कहती है कि द प्रॉब्लम इज टू काउंट ऑल द पॉसिबल पाथ्स ऑन एन एम क्रॉस एन ग्रिड. तो आपको टेक्निकली आपके पास एक एम क्रॉस एन ग्रिड राइट, और उस एम क्रॉस एन ग्रिड में आपको टोटल पाथ काउंट करने हैं फ्रॉम टॉप लेफ्ट दैट इज 0,0 टू बॉटम राइट दैट इज एम माइनस वन क्रॉस कॉमा एन माइनस वन राइट. तो ये आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, आपके पास कोई भी ग्रिड है उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या है 0,0 अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेकर चल रहे हैं, और ये है हमारा बॉटम राइट. तो अगर m क्रॉस n की हमारी ग्रिड है, मतलब m रोज हैं n कॉलम्स हैं, तो ये इंडेक्स हो जाएगा m माइनस वन कॉमा एन माइनस वन राइट. और हमें यहां पे इस स्टार्ट से लेकर इस एंड तक सारे टोटल पाथ निकालने हैं कि कितने तरीके से तुम 0,0 से m माइनस वन कॉमा एन माइनस वन पे पहुंच सकते हो. अब कंस्ट्रेंट क्या है, हैविंग कंस्ट्रेंट दैट फ्रॉम ईच सेल यू कैन ईदर मूव ओनली टू राइट और डाउन. आप हर सेल से या तो राइटवर्ड जा सकते हो या डाउनवर्ड जा सकते हो राइट. तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेल पे हो तो वहां से आप एक सेल राइट डायरेक्शन में जा सकते हो या एक सेल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो राइट. तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपके पास ये मूव्स अवेलेबल हैं कि किसी भी सेल से राइटवर्ड जा सकते हैं या डाउनवर्ड जा सकते हैं, तो 0,0 से m माइनस वन कॉमा एन माइनस वन पहुंचने में कितने टोटल वेज अवेलेबल है. सो फॉर द इनपुट अगर आपके पास m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, मतलब आपके पास दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, और आपको इस 0,0 से m माइनस वन एन माइनस वन के टोटल पाथ निकालने हैं, तो आंसर आएगा 3 राइट. अब यहां पे मैं सब लोगों को कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, ट्राई करो एक बार खुद से कि क्या करा जा सकता है इस कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम के लिए राइट, एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि पुराने प्रॉब्लम्स के बेसिस पे क्या आपको सॉल्यूशन बिल्डअप कर पा रहे हो, एंड देन विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द सॉल्यूशन और देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो यार, आई होप कि सब लोगों ने एक फेयर अटेम्प्ट दिया होगा प्रॉब्लम को, और अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि आपके पास एक एम क्रॉस एन ग्रिड होगा, है ना, एक एम क्रॉस एन ग्रिड होगा, और इस m क्रॉस n ग्रिड के राइट आप किसी भी i कॉमा j सेल पे हो, तो आप वहां से या तो राइट जा सकते हो, इसका मतलब आप वहां से i कॉमा j प्लस 1th सेल पे जा सकते हो, या फिर आप डाउनवर्ड जा सकते हो दैट इज आप i प्लस 1 कॉमा j सेल पे जा सकते हो. इन्हीं दो डायरेक्शंस में आप लोग मूव कर सकते हो राइट ओके. तो देखो मान लो आप 0,0 से आपको स्टार्ट करना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका एंडिंग पॉइंट है m माइनस वन कॉमा एन माइनस वन. तो चलो देखते हैं इस टेस्ट केस के लिए, यहां पे हमारे m की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू है 3, मतलब दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो आंसर आना चाहिए 3. लेट्स सी हाउ. तो देखो एक पाथ तो हमारे पास ये हो गया, अब यहां से राइटवर्ड जाओ, फिर एक और डायरेक्शन राइटवर्ड जाओ, और फिर आप डाउनवर्ड चले जाओ, तो राइट राइट डाउन, ये आपके पास एक तरीका आ गया. उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आप राइटवर्ड जाओ, फिर आप डाउनवर्ड जाओ, और फिर राइटवर्ड जाओ राइट. तो राइट डाउन राइट, ये आपके पास एक और तरीका आ गया, और फाइनली डाउनवर्ड्स राइटवर्ड्स और एक और राइटवर्ड्स, सो DRR, ये एक और तरीका आ गया. ये हमारे पास टोटल तीन तरीके हैं. तो आपको यही तरीके काउंट करने हैं कि अगर आप किसी भी सेल से सिर्फ राइटवर्ड जा सकते हो और या सिर्फ डाउनवर्ड जा सकते हो, तो आप कितने तरीके से टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पहुंच सकते हो, यही आपको फिगर आउट करके लाना है. ठीक है, एक टेस्ट केस और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी हमें राइट. थोड़ा सा बड़ा ग्रेड लेते हैं, लेट्स से 3x3 का ग्रेड ले लेते हैं. राइट, 3x3 का ग्रिड है ना. तो देखो एक तरीका क्या है, हमेशा अगेन हर सेल से आप या तो राइट जा सकते हो या डाउन जा सकते हो, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आप या तो राइट गए, फिर एक और स्टेप राइट गए, फिर डाउनवर्ड्स गए, फिर
फिर एक और स्टेप डाउनवर्ड्स गए, तो राइट राइट डाउन डाउन, है ना। ओके उसके बाद एक तरीका क्या है कि आप दोबारा राइट गए, फिर आप डाउनवर्ड्स गए, फिर दोबारा आप राइट गए और फिर आप दोबारा डाउनवर्ड्स गए, तो राइट डाउन राइट डाउन, ये एक और तरीका आ गया। अगला तरीका क्या है कि आप राइट गए, यहां देखो अब राइट गए, आप डाउनवर्ड्स गए, अब फिर डाउनवर्ड्स गए और फिर राइटवर्ड्स गए, सो राइट डाउन डाउन राइट, ये तीन तरीके आ गए। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप डाउनवर्ड चले जाओ, फिर दोबारा डाउनवर्ड चले जाओ, फिर राइटवर्ड चले जाओ और फिर राइटवर्ड चले जाओ, तो डाउन डाउन राइट राइट। उसके अलावा आप डाउनवर्ड चले जाओ, फिर आप राइटवर्ड चले जाओ, फिर आप राइटवर्ड चले जाओ, फिर आप डाउनवर्ड चले जाओ, तो डाउन राइट राइट डाउन, ये आ गया हमारा पांचवा तरीका। एक तरीका और ले सकते हैं कि यार आप यहां से डाउनवर्ड चले जाओ राइट, फिर राइटवर्ड चले जाओ, फिर डाउनवर्ड चले जाओ और फिर राइटवर्ड चले जाओ, तो डाउन राइट डाउन राइट। तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल छह तरीके जिनसे आप टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पहुंच सकते हो। तो अगर आपके पास m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है तो आंसर आना चाहिए 6 राइट। देखो हर सेल से हम या तो राइट जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहे हैं रूल। तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, यार सोचने की बात क्या है कि काम तो देखो मुश्किल दे दिया गया है कि अब m क्रॉस n की एक जेनरिक ग्रिड है ना, ग्रिड का इनपुट लेना है इसमें जरूरी नहीं होगा फाइनल जब क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि लॉजिकली सोच पाएंगे m क्रॉस n की कुछ तो ग्रिड गिवन है और हमें नहीं पता कि इस 0,0 से m माइनस 1, n-1 तक कैसे जा सकता है, ये बात तो हमें नहीं पता। अभी तक तो उल्टा हम लोग 1D एरे में खेलते आ रहे थे, 1D एरे में खेलने के लिए एक इंडेक्स लेते थे, वो एरे के हर एलिमेंट में जाता था, अब तो 2D एरे तो क्या दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, देखेंगे फिगर आउट करेंगे उस चीज को, बट अभी के लिए तो बहुत मुश्किल टास्क है कि 0,0 से m-1, n-1 तक जाना है, तो बहुत मुश्किल है भाई। बट मुझे ये जरूर पता है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और किसी भी सेल से, किसी भी पर्टिकुलर सेल से मैं या तो राइट जा सकता हूं या डाउन जा सकता हूं, ये बात तो मुझे पता है ना। तो स्टार्टिंग वाले सेल से भी तो मैं या तो इस राइटवर्ड सेल पे जा सकता हूं या इस डाउनवर्ड सेल पे जा सकता हूं, इन दोनों सेल्स पे ही जा सकता हूं, कुछ इसके अलावा तो कर नहीं पाएंगे। पहले स्टेप में जब हम लोग स्टार्टिंग पे बैठे हैं तो स्टार्टिंग से पहले स्टेप में या तो राइटवर्ड वाले सेल पे जाएंगे या डाउनवर्ड वाले सेल पे जाएंगे, दोनों में से किसी एक ही सेल पे जा सकते हैं। अच्छा तो यार मैं यहां से यहां जा सकता हूं, ये मेरे लिए सबसे इजी टास्क है। तो अगर मैं इसी को सेल्फ वर्क रखूं कि यार मैं ना बस यहां से यहां जा सकता हूं, बाकी कुछ पता लग जाए अपने आप, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो यार अगर कोई भी मुझे ये बता दे, किसी भी तरीके से आपको ये बात पता लग जाए कि ये लेट से दिस इज आई कॉमा जे, ये कोई भी आई कॉमा जे सेल है, स्टार्टिंग सेल ही है, आई कॉमा जे मानते हैं, आपको कोई ये बता दे कि यार आई कॉमा जे प्लस वन जो कि तुम्हारा राइटवर्ड सेल है, इस राइटवर्ड सेल से बॉटम राइट पहुंचने के कितने तरीके हैं। देखो कितने तरीके हैं, एक तरीका है राइट, सॉरी एक तरीका है राइट डाउन डाउन, एक तरीका ये है, एक है डाउन राइट डाउन, एक तरीका है डाउन डाउन राइट, तीन तरीके हैं। कैन आई से दैट इस पर्टिकुलर सेल से बॉटम राइट पहुंचने के तीन तरीके हैं, और मैं ये जानता हूं कि यार मैं स्टार्टिंग वाले सेल से या तो राइट जा सकता हूं या डाउन जा सकता हूं, डाउन को भी देखते हैं, बट अगर मैं राइटवर्ड गया, अगर मैं अपने करंट सेल से राइटवर्ड गया, यहां से इस 0,0 से 0,1 पे गया, तो 0,1 से बॉटम राइट पहुंचने के तीन तरीके हैं, वो तीनों तरीके तो मैं अपना सकता हूं, उन तीनों तरीकों को तो यूज कर सकता हूं ना, क्योंकि मुझे 0,0 से 0,1 जाना आता है और 0,1 से बॉटम राइट पहुंचने के तीन तरीके हैं, तो वो तीनों तरीके मैं भी यूज कर सकता हूं अगर मैं बस 0,1 पे पहुंच जाऊं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब आई कॉमा जे प्लस वन पे नहीं गए तो और कहां जाओगे, आई प्लस वन कॉमा जे पे जाओगे, यहां से पहुंचने के कितने तरीके हैं, डाउन राइट राइट एक तरीका ये है, राइट डाउन राइट एक तरीका ये है, राइट राइट डाउन एक तरीका ये है, तो टोटल तीन तरीके यहां से भी हो गए,
कि यार अगर मैं किसी भी तरह 1.0 पे पहुंच गया तो 1.0 से बॉटम राइट पहुंचने के तीन तरीके हैं, तो वो तीनों तरीके मैं भी अपना सकता हूं अगर मैं अपने बॉटम वाले सेल पे चला गया, अपने जस्ट नीचे वाले सेल पे चला गया। इसका मतलब मुझे तो नहीं पता कि आई कॉमा जे से या इस 0.0 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बॉटम राइट कैसे जा सकते हैं, बट अगर मुझे ये पता लग जाए कि 0.1 और 1.0 इन दोनों सेल से बॉटम राइट कैसे जा सकते हैं, तो ये दोनों सेल्स जितने भी पाथ दे रहे हैं वो सारे पाथ मेरे लिए वैलिड है, क्योंकि इस आई कॉमा जे प्लस वन से जितने भी तीन पाथ हैं उन तीनों पाथ को मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैं आई कॉमा जे प्लस वन पे जा सकता हूं। इस आई प्लस वन कॉमा जे से जितने भी तीनों पाथ अवेलेबल है उन तीनों को भी मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आई प्लस वन कॉमा जे भी जाना आता है, राइट? क्या यहां से हम लोग कुछ अपनी इंट्यूशन बना सकते हैं कि अगर मुझे किसी तरह पता लग जाए कि मेरे राइटवर्ड वाले सेल से बॉटम राइट जाने के कितने तरीके हैं और मेरे बॉटम वाले सेल से या डाउनवर्ड सेल से बॉटम राइट जाने के कितने तरीके हैं, तो ये दोनों तरीके एक्स और वाई अगर मैं ऐड कर दूं तो वो सारे इस स्टार्टिंग पॉइंट आई कॉमा जे से बॉटम राइट जाने के नहीं होंगे। इस डायरेक्शन में सोचते हैं, तो चलो मैं कहता हूं मैं एक फंक्शन लिखता हूं एफ। इस फंक्शन में हम लोग पास करेंगे आई जे एम एन, राइट? ये फंक्शन पता है क्या रिटर्न करेगा? सिंपल चीज रिटर्न करेगा, दिस रिटर्न्स नंबर ऑफ वेज टू रीच एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन फ्रॉम आई कॉमा जे। यार आई कॉमा जे सेल से एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन जाने के कितने तरीके हैं, इफ वी कैन ओनली मूव राइट एंड डाउन, कि अगर हम हमेशा एक किसी भी सेल से राइटवर्ड या डाउनवर्ड जा सकते हैं तो आई कॉमा जे से एम कॉमा एन पहुंचने के कितने तरीके हैं। मैं कहूंगा यार मेरे को नहीं पता कितने तरीके हैं, मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, मैं अजम्पशन का स्टेप ले लेता हूं, लेट्स अज्यूम कि ये जो फंक्शन एफ है ये आई कॉमा जे प्लस वन कॉमा एम कॉमा एन के लिए सही चलता है। लेट्स अज्यूम कि ये इस फंक्शन के लिए सही चलता है, तो ये अजम्पशन क्या है, एफ ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन कॉमा एम कॉमा एन, ये हम लोग ले रहे हैं अजम्पशन, पहली अजम्पशन ले रहे हैं टेक्निकली, राइट? तो ये अजम्पशन क्या कहती है कि वी अज्यूम फंक्शन एफ वर्क्स करेक्टली फॉर आई कॉमा जे प्लस वन, दैट इज इट करेक्टली गिव्स नंबर ऑफ वेज टू रीच बॉटम राइट फ्रॉम राइटवर्ड सेल, राइट? इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि मैं ये फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं ये फंक्शन सही चलेगा, ये फंक्शन सही चलेगा मतलब फंक्शन एफ आई कॉमा जे प्लस वन के लिए सही चलता है, इसका मतलब ये फंक्शन सही तरीके से कैलकुलेट कर देगा कि मेरे राइटवर्ड सेल से बॉटम राइट तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। ये मेरी पहली अजम्पशन हो जाएगी। दूसरी अजम्पशन मेरी होगी ये एफ ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा एम कॉमा एन की वी अज्यूम फंक्शन एफ वर्क्स करेक्टली फॉर I प्लस वन कॉमा जे, दैट इज इट करेक्टली गिव्स नंबर ऑफ वेज टू रीच बॉटम राइट फ्रॉम डाउनवर्ड सेल, राइट? इसका मतलब क्या है कि यार मैं I प्लस वन कॉमा जे से M कॉमा एन तक कितने तरीके से पहुंच सकता हूं, ये वाली बात भी मैं अज्यूम कर लूंगा कि फंक्शन एफ सही तरीके से कैलकुलेट करके लेगा। और ये क्या है यार, मेरे डाउनवर्ड वाला जो सेल था ना, ये वाला सेल, इस सेल से बॉटम राइट तक जाने के कितने तरीके हैं। अगर मुझे दोनों तरीके से सही से मिल गए, यार मुझे पता लग गया इस सेल से बॉटम राइट जाने के कितने तरीके हैं और इस डाउनवर्ड वाले सेल से बॉटम राइट जाने के कितने तरीके हैं, तो क्या मैं दोनों तरीकों को ऐड नहीं कर सकता? ये हो जाएगा हमारा सेल्फ वर्क। यार अगर आपको ये पता लग गया कि आपके राइटवर्ड वाले सेल से टोटल कितने पाथ थे और आपके डाउनवर्ड वाले सेल से टोटल कितने पाथ थे, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पता लग जाएगा कि आपका जो ये सेल है इससे टोटल कितने पाथ है। क्यों? क्योंकि इस सेल से मैं इकलौता काम जो कर सकता हूं वो है यही है कि मैं राइटवर्ड जा सकता हूं या डाउनवर्ड जा सकता हूं।
तो बस पता लगा लो कि राइटवर्ड से बॉटम राइट के कितने तरीके हैं, डाउनवर्ड से बॉटम राइट के कितने तरीके हैं। ये सारे तरीके मेरे लिए वैलिड होंगे क्योंकि मैं दोनों तरफ किसी भी तरफ जा सकता हूं। ये बन जाएगी हमारी बहुत ही सिंपल सी रेकरेंस। एंड बेस केस क्या होगा, अगर भाई आई की वैल्यू पहुंच गई एम माइनस वन, साथ ही साथ जे की वैल्यू पहुंच गई एन माइनस वन, मतलब आप बॉटम राइट सेल पे ही लैंड कर गए हो। अगर बॉटम राइट सेल पे लैंड कर गए हो तो टेक्निकली क्या कहता है फंक्शन, एफ ऑफ एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन कॉमा एम कॉमा एन, मतलब एम माइनस वन से एन माइनस वन स्टार्ट करके ऐसे ग्रिड के बॉटम राइट पे जाने के कितने तरीके होंगे। आप वहीं पे बैठे हो तो एक तरीका तो वैलिड मिल गया ना, रिटर्न वन, आपको एक वैलिड तरीका मिल गया। इसके अलावा आप कुछ सोचो, अब रिकर्सिवली ये कॉल्स चलेंगे, तो आई कॉमा जे से आप आई कॉमा जे प्लस वन कॉल करोगे, फिर रिकर्सिवली आई कॉमा जे प्लस वन से आई कॉमा जे प्लस टू कॉल करोगे, ऐसे रिकर्सिवली कॉल चलेगी ना। तो ऐसा हो सकता है आप यहां से राइट गए, फिर आप यहां से राइट गए और आप एक और बार राइट चले गए आई से जे प्लस वन, आई कॉमा जे से आई कॉमा जे प्लस वन, आई कॉमा जे प्लस वन से आई कॉमा जे प्लस टू, आई कॉमा जे प्लस टू से आई कॉमा जे प्लस थ्री, ये आप ग्रिड के बाहर चले गए हो। अगर आप ग्रिड के बाहर चले गए तो कोई तरीका होगा क्या, वापस तो आ नहीं सकते, लेफ्ट नहीं जा सकते, अप नहीं जा सकते, तो ग्रिड में आप वापस नहीं आ सकते। वापस नहीं आ सकते मतलब आपको कभी कोई तरीका नहीं मिलेगा आउटसाइड ऑफ द ग्रिड से बॉटम राइट आने का। तो किसी भी वजह से अगर आप आई की वैल्यू किसी भी वजह से ग्रेटर देन और इक्वल टू एम हो जाए या फिर जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो जाए तो रिटर्न जीरो, क्योंकि अब वहां से आप वापस नहीं आ सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप टर्न अराउंड ले लोगे और आप वापस आ जाओगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये बन जाएगी हमारी रेफरेंस, इसे हम लोग सिंपली कोड करेंगे और हमारा काम बन जाना चाहिए, राइट। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो फाइल का नाम बनाते हैं मेज पाथ, बॉयलर प्लेट सेटअप कर लेता हूं मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, चलो एक फंक्शन लिखेंगे एफ, उसमें एक पैरामीटर जाएगा आई, एक पैरामीटर जाएगा जे, एक पैरामीटर जाएगा एम, एक पैरामीटर जाएगा एन। यार आई कॉमा जे से एम कॉमा एन के बॉटम राइट तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, अगर आप एम माइनस वन और जे डबल इक्वल टू एन माइनस वन पे ही पहुंच गए तब तो आप सही जगह पे पहुंच गए, रिटर्न वन, है ना, कि आप फाइनल बॉटम राइट इंडेक्स पे ही पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए या फिर जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो जाए तो रिटर्न जीरो। अदरवाइज अब हम लोग सेम अपनी रेफरेंस लिख देंगे, क्या है रेफरेंस, ये समेशन के रेफरेंस लिख देंगे, एफ ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन कॉमा एम कॉमा एन प्लस एफ ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा एम कॉमा एन, दैट्स इट। ठीक है, चलो कॉल करने की कोशिश करते हैं, विल से सी आउट एफ ऑफ, हमें क्या चाहिए, 0,0 से 3x3 के ग्रिड के बॉटम राइट तक पहुंचाना है, कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, ये प्रिंट करके ले आते हैं, रन करते हैं फाइल को, एंड यू कैन सी सही आ रहा है, 6 आ रहा है आंसर। अब एम की वैल्यू 2 कर देते हैं तो आंसर आना चाहिए 3, आंसर आ रहा 3 और बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया है, राइट। तो देखो अब यहां पर बहुत ही इंट्यूटिवली चीजें सॉल्व हो गई हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बैठेंगे कि अच्छा किस तरफ कॉल जा रही है किस तरफ नहीं जा रही है, अभी इसको हल्का सा ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे, बट अगर इंट्यूटिवली तुम देखो तो हमने बस ये फिगर आउट किया कि लॉजिकली क्या चीज मैं अज्यूम कर लूं उससे मेरा काम बन जाए और क्या चीज का सेल्फ वर्क कर लूं कि अजम्पशन के टास्क के बाद या अजम्पशन से पहले क्या मेरे को कर लेना चाहिए जिससे आंसर फाइनली बिल्डअप हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपको रिकर्शन की प्रॉब्लम में आगे बढ़ना है। अब इसका फटाफट से हम लोग ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, छोटे से 2x3 के ग्रिड के लिए ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि बेस केस कहां पे हमारी हेल्प कर रहा है, जो एक हमने रिटर्न वन का बेस केस लिखा है एक रिटर्न जीरो का बेस केस लिखा है, ये बेस केसेस हमारी कहां हेल्प कर रहे हैं, फटाफट से इसको फिगर आउट करते हैं और इससे हमें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी प्रॉब्लम के लिए। तो चलो यार ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पीस ऑफ कोड है जिसको हम ड्राई रन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कॉल स्टैक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और यहीं पर मैं ना एक ग्रिड ड्रॉ कर लेता हूँ 2x3 की, ठीक है, चलो 2x3 की ग्रिड ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से लाइन नंबर 12 पे हम लोग फंक्शन एफ को कॉल कर देंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू पास करी 0, जे की वैल्यू पास करी 0 और एम कॉमा एन तो 2,3 है, उसके ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो हम 0,0 पे,
ठीक है, चलो हम चेक करेंगे क्या जीरो बराबर है m माइनस वन के, m क्या है टू, सो टू माइनस वन इज वन, क्या जीरो बराबर है वन के, जी नहीं, तो आगे का कुछ चेक भी नहीं होगा, ये पूरा इफ का चेक हम लोग स्किप कर जाएंगे। क्या जीरो बड़ा है m से, जी नहीं, क्या जीरो बड़ा है n से, जी नहीं, तो ये इफ का चेक भी स्किप हो जाएगा। लाइन नंबर सेवन पे आ गए, लाइन नंबर सेवन पे मेरे पास दो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने थे, पहले एक्सप्रेशन मैं इवेल्युएट करने जा रहा हूं जो कि रिकर्सिव कॉल है, लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के जाएंगे, रिकर्सिव कॉल है किसके लिए, आई कॉमा जे प्लस वन के लिए, तो आई तो एज इट इज जीरो रह गया, जे जीरो से वन हो जाएगा क्योंकि जीरो प्लस वन, ठीक है। चलो अगेन, क्या जीरो वन के बराबर है, जी नहीं, क्या वन टू के बराबर है, जी नहीं, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां पे भी लाइन नंबर सिक्स पे भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग टेक्निकली यहां से आए हैं यहां पे जीरो कॉमा वन पे। ओके, अब दोबारा दो फंक्शन कॉल्स हैं, राइट, पहली फंक्शन कॉल के लिए लाइन नंबर सेवन को यहां पे छोड़ के जा रहे हैं, दोबारा से फंक्शन एफ कॉल करेंगे, आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा जे प्लस वन, सो वन प्लस वन इज टू, ठीक है, क्या जीरो वन के बराबर है, जी नहीं, तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, इज जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, नो, इज टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, नो, ठीक है, तो अगेन लाइन नंबर सेवन पे दो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होनी है, पहले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जाएंगे फंक्शन एफ, यहां पे अगेन पहली एक्सप्रेशन क्या थी, आई कॉमा जे प्लस वन, आई की वैल्यू जीरो है, जे की वैल्यू टू प्लस वन थ्री हो गई, चलो, क्या जीरो एम माइनस वन है, जी नहीं, क्या जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, नो, क्या थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, यस, इसका मतलब आप टेक्निकली देखो, अब 0.1 आए थे, 0.1 से 0.2 गए, मतलब यहां जंप मारी, और 0.2 से 0.3 जाना मतलब आप आउटसाइड द ग्रिड चले गए, अगर आप आउटसाइड द ग्रिड चले गए तब तो फिर खेल खत्म, अब वापस नहीं आ सकते, तो यहां से मैं कर जाऊंगा रिटर्न 0, तो ये वैल्यू 0 रिटर्न कर देगी और दैट्स इट, है ना। तो अब हम लोग वापस आ गए इस फंक्शन कॉल पे जिसे लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के गए थे, लाइन नंबर सेवन पे पहली फंक्शन कॉल हो गई, दूसरी फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरी फंक्शन कॉल है आई प्लस वन कॉमा जे के लिए, तो आई प्लस वन मतलब एफ ऑफ वन कॉमा टू के लिए कॉल हो रही है, आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू टू, क्या आई एम माइनस वन है, जी हाँ, क्या जे एन माइनस वन है, जी हाँ, इसका मतलब आप डाउनवर्ड्स गए हो और देखो आप एन माइनस वन पे पहुंच गए हो, तो यहां से आप क्या रिटर्न कर दोगे, वन रिटर्न कर दोगे क्योंकि आपको एक वैलिड तरीका मिल गया, एंड दैट्स इट। आप यहां पे वापस आ गए लाइन नंबर सेवन पे, दोनों कॉम्पिटिशन हो चुकी है, आपका सेल्फ वर्क क्या है, जीरो प्लस वन, तो आप यहां से वन रिटर्न कर दोगे, एंड दैट्स इट, राइट। तो टेक्निकली हम यहां से वापस आ गए हैं 0.1 पे, यहां पे वापस आ गए। अब 0.1 से राइट साइड जाके जितने तरीके से आप बॉटम राइट पहुंच सकते थे वो सारे एक्सप्लोर आप कराए हो, तो लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के गए थे, पहला पाथ तो आप एक्सप्लोर कराए, दूसरा पाथ क्या है, आई प्लस वन कॉमा जे के लिए, जो कि है डाउनवर्ड कॉल, एफ ऑफ आई प्लस वन हो गया वन, जे हो गया वन, 1.1, चलो देखते हैं, क्या वन वन के बराबर है, जी हाँ, क्या वन एन माइनस वन के बराबर है, नो, लाइन नंबर सिक्स पे भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लाइन नंबर सेवन पे आए, लाइन नंबर सेवन पे अगेन दो फंक्शन कॉल्स हैं, लाइन नंबर सेवन पे आप छोड़ के जाओगे, पहली फंक्शन कॉल है आई कॉमा जे प्लस वन के लिए, तो एफ ऑफ आई सेम टू सेम, जे प्लस वन इज वन प्लस वन टू, तो आप टेक्निकली दोबारा से बॉटम राइट आ गए हो, देखो ये लाइन नंबर फाइव का बेस केस हिट हो जाएगा और आप क्या रिटर्न कर दोगे, वन, तो अब यहां से वन रिटर्न कर दोगे, एंड दैट्स इट, है ना। दूसरी कॉल कहां जाएगी, दूसरी कॉल जा रही होगी आई प्लस वन कॉमा जे, सो एफ ऑफ आई प्लस वन इज टू कॉमा वन, तो टू कॉमा वन मतलब नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने की तो कोई जगह ही नहीं है, लाइन नंबर सिक्स पे आप देखो इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यस, तो रिटर्न जीरो, तो यहां से ये रिटर्न जीरो कर जाएगा क्योंकि आप ग्रिड के बाहर नहीं जा सकते, आप ग्रिड के बाहर से वापस नहीं आ सकते, तो कोई तरीका आपको नहीं मिलने वाला है, एंड दैट्स इट। तो आप देखो यहां पे वन प्लस जीरो, आप लाइन नंबर सेवन पे वापस आए, वन प्लस जीरो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न कर देगा, है ना, और हम वापस आ जाएंगे। अब वापस आ गए हो 0.1 पे, 0.1 पे वन प्लस वन क्या होगा, टू हो गया, राइट, तो मतलब यहां से एक तरीका था राइट डाउन और एक तरीका था डाउन राइट, इन दो तरीके से आप 0.1 से बॉटम राइट पहुंच सकते हो, वन प्लस वन टू रिटर्न हो जाएगा यहां पे और हम वापस आ जाएंगे। तो हम वापस अब कहां आ गए, 0.0 पे, तो अब 0.0 से आपने राइट वर्ड वाली सारी कॉल्स फिगर आउट कर ली हैं, आप ये डायरेक्शन में जितने तरीके से बॉटम राइट पहुंच सकते थे देख चुके हो आप, यहां से वापस आ जाते हैं। अब हम चलेंगे सिमिलरली डाउनवर्ड की जर्नी पे, क्योंकि अब दूसरी कॉल बची है, दूसरी कॉल क्या कहती है, एफ ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे,
आई की वैल्यू है जीरो, तो आई प्लस वन हो गया वन, कॉमा जे एज इट इज वन कॉमा जीरो, तो हम यहां आ गए हैं वन कॉमा जीरो। अब यहां से भी कोई बेस केस हिट नहीं होगा, ग्रिड के अंदर है ना ही बॉटम राइट पहुंचे हैं, तो दो फंक्शन कॉल्स राइट। पहली फंक्शन कॉल में आई कॉमा जे प्लस वन, इसका मतलब हम राइट जाएंगे एफ ऑफ वन कॉमा वन, ठीक है चलो लाइन नंबर सेवन पे छोड़ के आए। वन कॉमा वन के लिए भी फाइव लाइन हिट, कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सिक्स में भी ट्रू नहीं होगा, सेवन्थ लाइन पे आ जाएंगे। अगेन दो फंक्शन कॉल्स हैं, पहली फंक्शन कॉल है एफ ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, मतलब वन कॉमा टू के लिए, चलो वन कॉमा टू पे आ जाते हैं, ठीक है। वन कॉमा टू हमारा बेस केस है क्योंकि हम बॉटम राइट पर पहुंच गए, लाइन नंबर फाइव हिट हो जाएगी और हम रिटर्न कर देंगे वन, तो यहां से आ गया वन, ठीक है चलो। अब लाइन नंबर सेवन पे वापस आए, यहां से कहां पे जा सकते हैं, आई प्लस वन कॉमा जे, तो एफ ऑफ आई प्लस वन इज टू कॉमा वन, तो टू कॉमा वन मतलब बॉटम वाले सेल पे जाना चाहते हैं, यहां पे तो जा नहीं सकते, तो यहां से रिटर्न जीरो। और वन कॉमा वन यहां पर वापस आए, यहां पर हमें एक ही तरीका मिला है, वन प्लस जीरो इज वन, तो यहां पर चले जाएंगे एंड दैट्स इट। वापस आके वन कॉमा जीरो की कॉल पे, तो वन कॉमा जीरो की कॉल से राइट जाके देख चुके हो, डाउनवर्ड चलते हैं, डाउनवर्ड कैसे जाएंगे, एफ ऑफ टू कॉमा जीरो, तो एफ ऑफ टू कॉमा जीरो यहां है, क्या यहां से बॉटम राइट पहुंच सकते हो, जी नहीं, तो यहां से सीधा जीरो रिटर्न कर देंगे और बस दैट्स इट। वन कॉमा जीरो से वन प्लस जीरो इज वन, वन रिटर्न हो जाएगा। हम वापस आ गए हैं जीरो कॉमा जीरो पे, तो देखो दो तरीके ऐसे थे जब आप यहां से राइट स्टेप लेते और फिर आप बॉटम राइट पहुंच सकते थे, एक तरीका ऐसा था कि आप डाउनवर्ड स्टेप लेते और फिर आप बॉटम राइट पहुंच सकते थे। सो टोटल तरीके कितने हो गए, टू प्लस वन दैट इज थ्री, और मेन में आंसर आ जाएगा थ्री, एज सिंपल एज दैट। तो देखो ड्राई रन से भी सेम चीज हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग इंट्यूटिवली नहीं सोचेंगे तो फिर आगे और हार्डर प्रॉब्लम्स को करने में दिक्कत होगा। इसलिए हमेशा यही सोचना है कि क्या अजम्पशन हम करके लाएं, क्या सेल्फ वर्क करें एंड क्या बेस केस हो कि हमारा स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हमें आंसर उसका पता है। इस सिंपल फ्रेमवर्क से हम लोग मोस्टली किसी भी रिकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन और ड्राई रन आपको समझ में आया होगा। आई वुड रिकमेंड कि सब लोग इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से कोड करने की कोशिश करो, समझो कि क्या किया जा सकता है, एंड देन ओनली आपको 2D ग्रिड पे कैसे हम लोगों ने रिकर्जन लगाई ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि देखो 1D ग्रिड होता था तो सिर्फ एक वेरिएबल से पूरी की पूरी 1D एरे पे आइटरेट कर लेते थे, अब हमें टेक्निकली दो वेरिएबल मेंटेन करने पड़ रहे हैं क्योंकि हम रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा मूवमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, बट एक्सप्लेनेशन और कोडिंग इंप्लीमेंटेशन तो बहुत आसान है। सोचो अगर इसे आपको आइटरेटिवली करना होता तो कितनी प्रॉब्लम होती, राइट? एक वैसे तो एक सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि अगर आप देखो कि आपको कितने तरीके से बॉटम राइट पहुंचना है तो ये सारे तरीके आपको एक दूसरे के परम्यूटेशन ही दिखेंगे, RRDD, इस दो आर और दो डी के जितने पॉसिबल परम्यूटेशन आप बना सकते हो वही आपका आंसर है, राइट? तो ये टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, फोर फैक्टोरियल तरीके से सारे कैरेक्टर अरेंज हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय दो दो कैरेक्टर्स के कॉमन पेयर हैं, तो टू फैक्टोरियल तो 4 × 3 / 2 इज 6। तो आप फैक्टोरियल वाली मैथमेटिक्स से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगेन उसमें आपको आइट्रेशन करनी होगी, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, बड़े फैक्टोरियल हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसीजर, जबकि यहां पे रिकर्जन में ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसान है। सो सब लोग एक बार इस कोड को ड्राई रन करेंगे, एक बार इसे कोडिंग इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे, VS कोड में भी एक बार ड्राई रन करके देखेंगे, तभी सारे कॉन्सेप्ट आपके कंक्रीट होते जाएंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अच्छी रिकर्जन पे प्रॉब्लम सॉल्व करी है, थोड़ा तुमने देखा होगा कि हमने हल्का सा लेवल अप करने की कोशिश करी है, थोड़ा सबसेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ग्रिड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करा, तो एक नए पर्सपेक्टिव की कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम PW स्किल्स की वेबसाइट पे जाके इन सबके असाइनमेंट जरूर चेकआउट करो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए, जो भी हमने पढ़ा उसको तुम इंप्लीमेंट कर पाओ, समझ पाओ कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं, और तभी हम लोग काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, राइट? आगे आने वाले एक और लेक्चर में अभी हम लोग रिकर्जन की कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट? काफी मजा आएगा, कुछ और ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दैट विल हेल्प अस टू मेक श्योर कि हमारी रिकर्जन पे ग्रिप ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती जा रही है, राइट? सो आई होप कि आज का लेक्चर सबको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डीबगिंग करने में, ड्राई रन करने में, सबको फन रहा होगा। सो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, और मुझे पता है कि ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हमने करी हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराती हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज मेक श्योर कि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स को पुट ऑन करो,
हम लोग ट्राई करेंगे कि उन सारे डाउट्स को रिजोल्व करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप लोग इंटरेक्शन मेंटेन करके रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। दैट बीइंग सेड, आज के इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू।